लाइव है, साइड वाला टीवी ऑन करिए। चलिए भाई, तो ध्यान दीजिए इधर। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। हमारे पास 2 घंटे 5 मिनट 7 मिनट का समय है, 10:30 तक क्लासेस लगेगी और पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कंप्लीटली थ्योरी के साथ, मैंने क्वेश्चंस भी आप सबको दिलवा दिया है ना, पूरे क्वेश्चंस को भी हम लोग कर पाएंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे सब लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे इधर, है ना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए आप यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई आपसे पूछ देगा कि किसी द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किसी को नोट्स भी नहीं मिला है क्या, वो पेपर नहीं मिला है? देखिए हाथ जहां जहां खड़ा है देख लिए, हाँ पहुंचा दीजिए सबके जगह पे, एक बार घूम जाइए ना चारों तरफ, जिसको चाहिए अपना ले लेगा लो। यहां ध्यान दीजिएगा इधर, मैं क्या कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर। आप आगे से आ जाइए ना, इधर से आ जाइए, इधर घूम लीजिए एक बार, आप पीछे देख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखो सब लोग, इसमें क्या होना चाहिए पता है, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। कहोगे सर ए का मान जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, सोचो। अगर a का मान जीरो हो जाएगा तो पता है कि एक्स स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो जाएगा, है ना। अगर a का मान जीरो होगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा और फिर क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। और मैं आपको बता दूं कि बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे। क्वाड्रेटिक तब कहलाएगा जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो, टू हो। देखो अगर ये टर्म एक्स वाला नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिर्फ इतना भी रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स पर पावर दो वाला तो है, तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्वाड्रेटिक कहलाने के लिए एक्स पर पावर दो का होना एकदम कंपलसरी है, इसीलिए यहां पर लिखा गया ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ए जीरो होगा तो ये पूरा टर्म ही जीरो होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए अगर कोई कहेगा कि क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या होता है, कितना डिग्री होता है, तो डिग्री याद रखना है क्वाड्रेटिक का दो होता है। डिग्री कितना होता है, दो। कहोगे सर डिग्री क्या होता है, तो डिग्री का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर टर्म में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है। जैसे यहां पर देखो वेरिएबल पर पावर कितना है, 1 है, यहां पर वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है। तो किसी पार्टिकुलर टर्म में, मतलब किसी एक टर्म में वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर क्या है, और जितना सबसे ज्यादा पावर होगा उतने ही डिग्री का बहुपद कहलाएगा, है ना। आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी को आप द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका डिग्री कितना होता है, 2 होता है। तो आप बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जिसमें ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म समझो क्वाड्रेटिक खत्म। क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का टर्म होना ही चाहिए। आप बताइए कितने डिग्री होते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, 2 होता है। डिग्री का मतलब होता है जानते हैं क्या, किसी पार्टिकुलर टर्म में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री इसका 2 हो गया। अब देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक को आप सोल्व करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स का 2 मान मिलेगा,
मिलता है बचपन से आपने अनेकों बार क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया है। तो याद रखिएगा एक्स का सॉल्व करेंगे तो एक्स का दो गो मान मिलेगा, एक को हमने अल्फा कह दिया और दूसरे को हमने बीटा कह दिया, है ना। मैं आपको बता दूं कि एक्स का दो मान मिलेगा, एक को हमने अल्फा कह दिया दूसरे को बीटा कह दिया, बताएं इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रूट्स, रूट्स मूल, मूलों। अल्फा बीटा क्या है, इसका मूल्य है, या फिर इसका सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, है ना। सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक आर अल्फा बीटा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा यहां पर ये जो है ना, ये दोनों क्वाड्रेटिक का रूट्स है, इसको हिंदी में लोग मूल कहते हैं, मूल मूल कहते हैं, इसको हम लोग हल कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो गो हल है, अल्फा है बीटा, दो गो मूल है अल्फा है बीटा, जीरोज भी कहते हैं, जीरोज भी कहते हैं इसको हम लोग, है ना। कितने किस शून्य को, शून्यक, जीरोज का मतलब हो गया शून्यक, शून्य को। कोई पूछेगा कि किसी द्विघात समीकरण का कै गो शून्यक होता है, तो आपका जवाब होगा दो गो। कितना गो मूल होता है, दो गो। कितना हल होता है, दो गो। तो सवाल में ये सब अलग अलग बातें लिखा रहे, कहीं शून्यक रहेगा तो कहीं मूल रहेगा, कहीं हल रहेगा, अंग्रेजी में जीरोज रहेगा, रूट्स रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। तो किसी क्वाड्रेटिक का कितने सॉल्यूशन, दो गो, एक अल्फा दूसरा बीटा। इस पे हम लोग डिटेल चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहां पर और सीखने का प्रयास करिएगा। जैसे देखिए एक क्वाड्रेटिक हमने ले लिया, एक क्वाड्रेटिक हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 11x और प्लस का 24 इक्वल टू जीरो हमने ले लिया। बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब यहां पर सबसे पहले यहां से चीजों को थोड़ा साइड हो जाए, गर्ल्स को आने दीजिएगा। यहां से चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, यहां से चीजों को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर हम सीखेंगे कि x की वैल्यू क्या हो सकती है यहां पर, है ना। पहले हम क्वाड्रेटिक को सोल्व करना सीखेंगे बहुत कम समय में, कि बहुत जल्द से जल्द हम क्वाड्रेटिक को सोल्व कैसे कर लेंगे ये सीखेंगे। दो चार सवाल इस पर छोटे छोटे हम करेंगे, है ना। उसके बाद फिर वापस हम इसके थ्योरी पर आएंगे, है ना। इधर आइए यहां पर। तो आइए देखा जाए, सबसे पहले तो बेसिकली हम क्वाड्रेटिक को कैसे तोड़ते हैं इस पर विचार करेंगे। आप बताओ सब लोग, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है? कॉफिशियंट मतलब क्या समझते हैं, जो गुना में हो। एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, वही एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है। तो यहां पर हमने कह दिया वन वन वन। अब देखो कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, 24 है, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कितना है, वन है, वन है। तो हम क्या करते हैं जानते हैं, इसको गुना करते हैं, इसको हम गुना करते हैं, इसका प्रोडक्ट करते हैं। बोलो 24 गुना 1 24 हुआ कि नहीं। अब देखो 24 का ऐसा दो फैक्टर सोचेंगे जिसे जोड़ने घटाने पर प्लस 11 आवे, तो 8 और 3। देखिए क्वाड्रेटिक को हम तोड़ते कैसे हैं, मैं इस पे विचार कर रहा हूं। कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट को हम क्या करते हैं पता है, गुना करते हैं। सबसे पहला काम है मन्ने में कर लेंगे, 24 से कम 24। फिर इसका ऐसा दो फैक्टर लिखना है, सोचना है 24 का ऐसा दो गुणनखंड सोचना है जेकरा जोड़ने पर 11 आता हो। तो सेटिंग रहता है सब, देखो 8 3 24, अब 8 3 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा आपका, है ना। तो बताइए कौन कौन सा फैक्टर हो गया, 8 और 3 हो गया। देखो 8 और 3 हो गया, है ना। अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर 8 और 3 आया ना, तो इसको तोड़ देंगे इसे 8x में और 3x में तोड़ देंगे, अब प्लस में 24 = 0 आपका। देखिए इन दोनों में x कॉमन है क्या, शुरू का दो टर्म में कॉमन लीजिए, फिर बाद के दो टर्म में कॉमन लीजिए। तो इन दोनों में x को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x + 8, और इन दोनों में अगर हम 3 को कॉमन कर लेंगे तो x + 8 होगा आपका। एक चीज आप हमेशा याद रखना कि ई वाला जो कोष्ठ के अंदर में है ना x + 8, यही दोनों जगह मिलता है। अगर गड़बड़ मिल रहा है समझो आप गड़बड़ कर दिया, है ना। ये दोनों कोष्ठ में सेम मिलता है, अगर अलग मिल रहा है मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया है, ध्यान रखिएगा बात ये। और अगर एक जगह पकड़ा गया x + 8 तो बेफिक्र होकर के यहां पर x + 8 आप लिख सकते हो, आएगा ही आएगा। अब बताइए इन दोनों में भी x, दो टर्म है, ये
इस दोनों में भी एक्स प्लस आठ कॉमन है क्या? तो देखिए एक्स प्लस आठ को हमने क्या किया, दोनों में से बाहर निकाल लिया, तो बताइए यहां क्या बचा, एक्स प्लस थ्री बच गया। एक्स प्लस आठ को हमने बाहर कर लिया तो क्या बचा, यहां एक्स और यहां थ्री बराबर में जीरो। अब देखिए क्वाड्रेटिक को हम बेसिकली सॉल्व किए, बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं, जानकारी के लिए, एग्जाम में आपको इतना भी समय नहीं देना है, मैं बताऊंगा, ये बेसिक तरीके है। तो इतना इतना बराबर जीरो आ गया, पता है इन दोनों को क्या कहेंगे, इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर कहेंगे। क्या है ये फैक्टर्स इसका है, इसका जो है ना, ये जो है इसका फैक्टर्स है। क्वाड्रेटिक का कोई पूछेगा कै गो गुणनखंड होगा, आपका जवाब होगा दो गो। देखो डिग्री भी दो गो, रूट्स भी दो गो, और क्वाड्रेटिक को अगर कोई तोड़ेगा फैक्टर्स में तो फैक्टर्स भी कै गो, दो गो। देख लीजिए पहला फैक्टर x प्लस एट और दूसरा फैक्टर x प्लस थ्री आपका है। वापस इन दोनों फैक्टर को गुणा करिएगा ना, ये दोनों फैक्टर को फिर से गुणा कर दीजिएगा तो फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक को तोड़े दो फैक्टर, फिर दोनों को गुणा कर दिया, वापस क्वाड्रेटिक बन जाएगा। समझ में आ रहा बात है? कभी कभी तो जानते हैं एग्जाम में सम ऑफ फैक्टर्स पूछ देता है, सम ऑफ फैक्टर्स पूछ देगा, गुणनखंडों का योगफल बताओ। लेकिन उससे पहले आप बताइए इतना गुना इतना बराबर जीरो। देखो एक्स का मान निकालने के लिए एक बार इसको भी जीरो से इक्वेट करेंगे और एक बार इसको भी जीरो से इक्वेट करेंगे, तो आप बताओ क्या मिलेगा। इसको जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स का मान मिलेगा माइनस का आठ, और इसको जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो माइनस का तीन। तो यही हमारा आंसर हो गया। और इसी में कोई एक अल्फा होता है और दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। मैंने क्या बोला, एक्स का दो गो मान मिलता है, एक को अल्फा कहते दूसरे को बीटा। तो एक्स का दो मान मिला तो कोई एक को अल्फा कहेंगे कोई को बीटा, ऐसा नहीं कि अल्फा यही होगा, आपकी इच्छा उसे भी अल्फा कह सकते हो, कोई पाबंदी नहीं आपका, है ना। तो ये चीज हमारा है। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि सम ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़िए एक्स और एक्स, टू एक्स और फिर आठ प्लस तीन ग्यारह, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर कोई बोल देगा डिफरेंस ऑफ फैक्टर, सवाल एग्जाम में पूछेगा डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स पूछेगा, गुणनखंडों का अंतर, तो बोलो एक्स में से एक्स घटाएंगे खत्म, आठ में से तीन घटाएंगे पांच, हमारा आंसर आपका हो जाएगा। नोट करिएगा इतनी चीज को जल्दी से। अब कोई डाउट होगा किसी को पूछिएगा, और थोड़ा फास्ट लिखना है, एकदम सट्टा सट लिखना है। क्वाड्रेटिक को बेसिकली कैसे तोड़ते हैं ये भी सीख लिए, और डायरेक्ट कैसे तोड़ेंगे वो भी जस्ट सीखेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है, दो होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है, जहां पर ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसका दो रूट्स, एक अल्फा बीटा, उसको रूट्स भी कह सकते हैं, सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, और जीरोज भी कह सकते हैं। हाँ डिफरेंस में से आप इसमें से भी इसको घटा सकते हो, इसमें से भी इसको घटा सकते हो, है ना। लेकिन इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस पांच आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस पांच आएगा। देखिए वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह का है, ज्यादातर बड़ा में से छोटे क्यों हम घटाते हैं, लेकिन हो सकता है माइनस पांच ही आपका, माइनस पांच भी हो तो यहाँ पे लगा लीजिए, अगर इच्छा है तो प्लस माइनस लगा दीजिए। क्या अगर इसमें से कोई इसको घटाएगा तो प्लस का पांच मिलेगा, और इसमें से घटाएगा तो माइनस का पांच मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आपको बड़ा में से छोटा ही दिखेगा आपका,
तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो प्लस में आएगा, कहीं कहीं निगेटिव भी दिख सकता है। आगे बढ़े, चलिए अब हम सीखेंगे कि जो ये जो यहां पर हम दोनों फैक्टर निकाले, इतना करने के बाद निकाले, फिर इसके बाद ये जो x का दोनों मान निकाले वो भी इतना करने के बाद निकाले। अब आपको सीखना है कि हम ये क्वाड्रेटिक दिए होने पर डायरेक्ट डायरेक्ट ये फैक्टर भी कैसे लिख सकते हैं और इसका दोनों रूट्स भी कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना, ये चीज देखना है। तो आप पे यहां पर सीखिएगा वो बात, यहां पर सीखिएगा। देखिए x स्क्वायर प्लस का 11 x और प्लस का 24 बराबर 0 हमने लिया है ना। अब हमें यहां पर डायरेक्ट आंसर करना है, तो आप बताओ इसका प्रोडक्ट कितना होगा, इसका प्रोडक्ट कितना होगा भाई, 24 होगा। किसका किसका प्रोडक्ट लेते हैं तो नहीं बताइए। तो आपका कहना होगा सर एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट का और कांस्टेंट का, अगर कांस्टेंट माइनस साइन के साथ होगा या तो उसको माइनस में हम लेंगे गुणनफल, चिन्ह को भी लेना होता है। आप बताइए गुणनफल कितना मिल गया, प्रोडक्ट कितना मिल गया, 24। और 24 का ऐसा दो फैक्टर जिसे जोड़ने पर 11 आता हो, तो आपका जवाब होगा कि सर 8 होगा और 3 होगा। ये देखो ये आपको सोचना पड़ेगा, वैसे अभ्यास करिएगा तो करते करते ये फिर जल्दी जल्दी आपके मन में आने लगेगा, ये सोचना है थोड़ा, है ना। अब देखो कितना कितना आया, बोलिए 8 3, ऐसे भी कर सकते हो प्लस का 8 आया और प्लस का 3 आया, आपका प्लस का 8 आया प्लस का 3 आया। अब हमको फैक्टर लिखना है, तो बताइए एक्स के साथ हम लगा देंगे उसको, एक्स के साथ लिख देंगे प्लस 8 और फिर एक्स के साथ लिख देंगे हम प्लस 3 लिख देंगे, ठीक है। अगर माइनस 8 माइनस 3 होता तो एक्स माइनस 8 और फिर एक्स माइनस 3, यही क्या हो जाता है, इसका फैक्टर हो जाता, समझ में आया बात है। प्लस 8 प्लस 3 में टूटा ना जी, प्लस 8 प्लस 3 में टूटा तो x के साथ उसको लगा दो x प्लस 8 फिर x प्लस 3, यही इसका दोनों फैक्टर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का यही दो फैक्टर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेंगे। अब क्या, अब है कि रूट्स कैसे निकालेंगे, इसका दोनों रूट्स बताओ, रूट्स का मतलब क्या, अल्फा और बीटा, रूट्स कैसे निकालेंगे, तो बड़ी सिंपल बात है। देखो इसका तोड़े तो मान कितना आया, प्लस 8 प्लस 3, चिन्ह को बदल देते हैं, रूट्स लिखने के लिए चिन्ह को बदल देते हैं, तो बोलो माइनस 8 माइनस 8, रुकिए रुकिए रुकिए, एक्स स्क्वायर का जितना कोफिशियंट होगा उससे डिवाइड करते हैं। देखो अगर 2 होगा तो 2 से भाग, 4 होगा तो 4 से भाग। अब फिर देखिए दूसरा का चिन्ह बदलिए, माइनस 3 एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, 1 है, ऐसे 1 से भाग देने से कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर इस 1 के जगह पर कोई और संख्या होता तब तो प्रभाव पड़ जाता, तो तरीके तो आना चाहिए, कोई जरूरी थोड़ी कि बार बार यही रहेगा, कभी सवाल में ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ कोफिशियंट रहेगा तो डिवाइड करेंगे। अब बताओ आंसर हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 3 हो जाएगा। तो जैसे ही यहां संख्या में तोड़ेंगे इसी की मदद से हम फैक्टर्स भी लिख लेंगे और इसी की मदद से हम रूट्स भी लिख लेंगे, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा इस चीज को हम भाषा में लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रूट्स रूट्स छापिएगा, लिखने का तरीका, रूट्स लिखने का तरीका। देखो पहला नंबर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और कांस्टेंट कांस्टेंट के गुणनफल गुणनफल का वैसा दो गुणनखंड सोचे जिसे जोड़ने या घटाने जिसे जोड़ने या घटाने पर x का कोफिशियंट प्राप्त हो। फिर इसके बाद क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और कांस्टेंट टर्म के गुणनफल का ऐसा दो फैक्टर सोचे जिसे जोड़ने या घटाने पर एक्स का कोफिशियंट मिले। सब एकदम जैसे बताएं उस चीज को मैं लिख दे रहा हूं ताकि ये चीजें भी आपको रिवीजन के टाइम में पढ़ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगा, है ना। कोफिशियंट प्राप्त हो, इसके बाद क्या करेंगे पता है, इसके बाद देखो फैक्टर्स का साइन बदलकर, फैक्टर का साइन बदलकर एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से भाग दे वही रूट्स कहलाएगा। दो लाइन में वो सारा चीज क्लियर कर दिया। भाषा को पहले लिख लीजिएगा और एक बार उसको आप पढ़ भी लेंगे और पढ़ने के बाद ये चीज उसमें क्लियर है कि नहीं है बताइएगा हमें। ये दोनों है, दो लाइन में मैंने रूल को लिखा है। निकालने का तरीका एक यहां किया, कुछ रह गया अधूरा, फिर दोबारा लिख दिया। पूरा है ये पूरा आपका है। कॉफिशियंट और कांस्टेंट, CONS डॉट मतलब कांस्टेंट शॉर्ट में, है ना, के गुणनफल का वैसा दो गुणनखंड सोचे जिसे जोड़ने या घटाने पर एक्स का कॉफिशियंट प्राप्त हो, फिर फैक्टर्स का साइन बदलकर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट किससे भाग दे तो रूट्स कहलाएगा, भाग दे वही रूट्स कहलाएगा। देखो जो मैंने यहां बताया ना, मैंने क्या बताया कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट और कॉन्स्टेंट के गुणनफल का ऐसा दो फैक्टर सोचे जिसे जोड़ने पर एक्स का कॉफिशियंट प्राप्त हो, वही तो मैंने लिखा है। अब फिर इसके बाद क्या कहा, मैंने कहा फैक्टर्स का साइन बदलकर, मतलब गुणनखंड का साइन बदलकर, तो देखिए साइन प्लस में है तो साइन को बदल दिए माइनस में। अब फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 से क्या किए भाग दे दिए वही रूट्स कहलाएगा, तो भाग दिए तो क्या निकल गया रूट्स कहला गया आपका। तो भाषा और ये क्लियर है सभी को, कुछ पूछना है बोलिएगा, क्लियर है। चलो तो आगे कुछ सवाल का जवाब दीजिएगा आप सारे के सारे विद्यार्थी, आगे कुछ सवाल का जवाब दीजिएगा आप सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर, है ना। देखिए यहां पर लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखना है सभी को। देखो तो जैसे दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 20x और प्लस में 91=0 है। अब सवाल में x का मान निकालना है, दूसरा हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 40=0, फिर यहां x का मान निकालना है, फिर इसके बाद है हमारा 2x स्क्वायर प्लस का 19x प्लस का 44=0, यहां x का मान निकालना है। ये तीन क्वेश्चन यहां पर है, जल्दी जल्दी x का मान निकालना है। सुनिएगा जी, देखो कैसे कर सकते हैं, सोच हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कितना 1, अब बोलो कांस्टेंट टर्म कितना 91, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा 91 होगा इसका प्रोडक्ट। अब 91 का ऐसा दो गुणनखंड सोचेंगे जिसे जोड़ने पर प्लस का 23 आता हो, तो बोलो कौन कौन होगा, +13 और +7। देखिए ना +13 + 7 गुना करिए तो +91, अब +13 + 7 + 20 हो गया ना जी। अब हमको x का मान लिखना है, तो मैंने क्या बोला कि चिन्ह बदलो
माइनस 13 और चिन्ह बदलो माइनस 7 एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 से भाग देंगे तो क्या हमारा यही आंसर नहीं हो जाएगा? कितना हुआ? माइनस 13 माइनस 7 हो गया आपका। इसमें कोई डाउट है किसी को? तो इसका आंसर निकालने का प्रयास करिए। देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 है, गुना करिए तो गुना करेंगे तो माइनस 40 गुणनफल आएगा। देखो चिन्ह को कभी मत इग्नोर करिएगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं। आप गुणा करिए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 है और ये कांस्टेंट माइनस 40 है, तो गुणा करिए तो प्रोडक्ट कितना आएगा? माइनस 40। अब देखो माइनस 40 का ऐसा दो गुणनखंड करना है जिसे जोड़ने घटाने पर प्लस का 3 आवे, तब पक्का कोई ना कोई सेटिंग होगा आपका, तो हो जाएगा प्लस का 8 और माइनस का 5। देखिए 8 में से 5 घटेगा तो प्लस 3, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। इन दोनों को गुणा करिए, 8 पच्चे 40, प्लस माइनस माइनस, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो x का मान लिखना है तो चिन्ह को बदलिए, चिन्ह को बदलिए, माइनस 8 और एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट से भाग करते हैं, फिर उसके साइन को बदलिए, प्लस का 5 और 1 से भाग देते हैं, तो आंसर कितना होगा? माइनस 8 प्लस 5 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर फिर क्या करिए, इसका प्रोडक्ट करिए तो 44 दुना 88, यहां प्रोडक्ट मिल गया 88। और फिर ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने पर प्लस का 19 आएगा, तो सोचो क्या क्या हो सकता है? प्लस 11 और प्लस का 8, है ना? आप जोड़ के देख लीजिए, 19 11 88। अब x का मान लिखना है तो देखिए सुनिएगा, चिन्ह को बदलिए, माइनस 11 एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 2 है, 2 से भाग कर दिए, फिर चिन्ह बदलिए, माइनस 8 और फिर बटा में 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा फ्रेश लिख लो, माइनस 11 बटा 2 और ये माइनस 4, हमारा ये आंसर हो जाएगा। एक्स का दो दो को मान मिला, एक को अल्फा कहेंगे और दूसरा को क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे। एक को अल्फा कहेंगे, दूसरा को बीटा कहेंगे, इस बात का ख्याल रखना है सभी को। और लिखिएगा क्वेश्चन, हमारे ख्याल सफिशियंट है ना? तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग क्वाड्रेटिक को इजीली क्या कर सकते हो, आप तोड़ सकते हो। कोई भी क्वाड्रेटिक को बड़ा इजीली आप सारे विद्यार्थी तोड़ सकते हैं, ठीक है? शायद 1 2 3 4, हमारे पास तो बहुत सारा सवाल लिखा हुआ है ना, 5 6 है। चलो ना, ये इतना काफी आपका है, इतना जो है आपका काफी है ना? तो बताइए कोई क्वाड्रेटिक को तोड़ सकते हैं? सब लोग तोड़ करके बड़ा इजीली इसका मान निकाल सकते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसी में एक बात आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइएगा। यहां पर एक्स का दो गो मान मिल गया, एक को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। कभी कभी सवाल में जानते हैं क्या पूछ देगा, कभी कभी सवाल पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा, ऐसे पूछ देता है। तो यहां पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी मूल, दोनों मूल को जोड़ने को बोल रहा है, कितना होगा? माइनस 13 माइनस 7 माइनस 20। कभी कभी जानते हैं पूछेगा अल्फा इंटू बीटा, तो तनी गुना करिए कितना हो जाएगा, प्लस का 91 हो जाएगा, है कि नहीं बात? तो यहां जो हम अल्फा प्लस बीटा आपको बताएं कि जोड़ के लिखो गुना करके लिखो, ये तो रूट्स निकालने के बाद की बात है, जब रूट्स निकलेगा तब जोड़ेंगे गुना करेंगे तो आएगा, तो इतना नहीं करना है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, तो ऐसा नहीं कि रूट्स को निकालेंगे और फिर जोड़ के वो गुना करके आंसर मारेंगे, नहीं, इसका शॉर्ट ट्रिक आता है, शॉर्ट फॉर्मूले जाता है, समझ आ रहा बात है? इसका शॉर्ट फॉर्मूला आता है, मतलब क्वाड्रेटिक दिखेगा और झट से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा, ये रूट्स निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा बताओ, अल्फा इंटू बीटा बताओ, अल्फा बीटा क्या है? क्वाड्रेटिक का दोनों रूट्स है, तो बोलेगा रूट्स का योगफल कितना होगा, रूट्स का गुणनफल कितना होगा, बाकी इसमें तरह तरह के और सवाल बनेंगे, है ना? तो फिलहाल इस चीज को हम अब सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहां पर देखिए, यहां पर आप बताओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है?
का मान लिए का दो मूल दुए को मूल्य होता है, अगर दो ना भी लिखे तो भी अर्थ वही होगा, मूल मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। एक बात बताइए थोड़ा यहां पर सब लोग, एक बात बताइए कहां गया, हां ये देखो यहां पर आप बताइए इसका रूट्स क्या आया, -8 -3 यानी क्या आया, एक्स बराबर -8 आया, तो इसको इधर लेके आ जाइए ना, तो इसको गुणनखंड कहते हैं क्या। दूसरा मिला एक्स बराबर कितना -3, इधर लेके आ जाएंगे तो x+3 इसको गुणनखंड कहेंगे, देख लो है कि नहीं, क्वाड्रेटिक का ही दुगो गुणनखंड है ना। अगर x का मान -8 है तो इधर ला दो पहला गुणनखंड, दूसरा x का मान -3 है इधर ला दो दूसरा गुणनखंड, और अगर इन दोनों को फिर से गुणा कर देंगे तो क्या ये वापस क्वाड्रेटिक नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। यही लॉजिक आपको यहां लगाना है, सुनिए इसका दुगो रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। तो आप बताइए अल्फा बीटा इसका दो रूट्स है तो आप हमको बताइए फैक्टर क्या होगा, तो कहोगे सर एक्स माइनस अल्फा होगा और दूसरा एक्स माइनस बीटा होगा, यही ना होगा जी, इधर ला दिए माइनस में, बीटा को ला दिए माइनस में, तो पहला फैक्टर है दूसरा फैक्टर। आप बताओ अगर इन दोनों को फिर से गुणा कर देंगे तो क्या वापस वो समीकरण नहीं मिल जाएगा, फिर से जब इसको गुणा कर देंगे तो वापस वो समीकरण मिल जाएगा। चलिए सट्टा सट गुणा करिए, एक्स को इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का अल्फा एक्स, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का बीटा एक्स, और फिर देखो माइनस अल्फा गुना माइनस बीटा तो प्लस का हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर जीरो हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ाओ, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं यहां पर, एक्स स्क्वायर क्या इसमें हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, है ना, माइनस को आप कॉमन कर सकते हो, माइनस एक्स को कॉमन कर लो तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और एक्स को कॉमन किया उसको इधर लिख दिया बराबर में जीरो हो गया आपका। इतना में कुछ पूछना है बोलिएगा, मैं इसमें किसी को समस्या है बोलिएगा, अरे उधर मूल है अल्फा जी और बीटा तो एक्स के साथ इधर ला दिया माइनस अल्फा फिर एक्स के साथ माइनस बीटा, तो ये दोनों फैक्टर, फिर फैक्टर को गुणा करेंगे वापस से मिल जाएगा, तो हमने गुणा किया ये मिला, जरा ये देखिएगा यहां पर ये मिला आपको, ठीक है। देखो यहां पर क्या एक्स स्क्वायर है ना, थोड़ा सा इसे आप आगे बढ़ाओ, यहां पर इसे आप आगे बढ़ाओ, इसे आप आगे बढ़ाओ, इसे आप आगे बढ़ाओ, जानते हैं क्या करेंगे, यहां क्या दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर, हम चाहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला निकाल के आपको दे दे, तो देखिए यहां पर ये जो है ना, ये जो है एक्स स्क्वायर है, तो यहां कैसे एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ए से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो यहां पे देखो ए से दोनों तरफ भाग देने पर, ए से दोनों तरफ भाग देने पर, बोलो ए से जब भाग देंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और ए से भाग देंगे तो बी बाई ए इंटू एक्स, और फिर सी बाई ए, इधर भी ए से भाग देंगे तो जीरो, क्या दिक्कत है, एलएचएस आरएचएस दोनों साइड तो कोई भी संख्या से भाग दे सकते अपनी फायदे के लिए, तो हमने ए से क्या किया, इसमें भाग दिया तो एक्स स्क्वायर, इसमें भाग दिया तो बी एक्स बाई ए, इसमें भाग दिया सी बाई ए, इधर भाग दिया तो जीरो हो गया, जीरो बटा जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो और देखो क्या मिलता है। आप बताइए ये एक्स स्क्वायर तो यहां भी एक्स स्क्वायर है कि नहीं, बात बोलिए यहां पर एक्स का कोफिशियंट क्या है, तो आप आपका जवाब होगा सर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, बोलो यहां एक्स का कोफिशियंट कितना है बी बाई ए है, बी बाई ए है, बी बाई ए है, तो आप सारे विद्यार्थी बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस उधर कर दो माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला हो चुका है प्रूव्ड। फिर इसके बाद और कंपेयर करिए, ई जगह पर क्या है कांस्टेंट की जगह पर अल्फा गुना बीटा, और यहां क्या है सी बाई ए, तो आपको यह भी याद रखना है कि अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए, ये चीज आपका, आपको तो पता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को ये कहते हैं, एक्स के कोफिशियंट को और कांस्टेंट को
सी कहते हैं, ये भी बड़ा ध्यान रखना होता है। ए क्या, फार्मूला में तो ये आ गया, लेकिन ए क्या होता है पता रहना चाहिए ना। ए बोलो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, और बी किसका कॉफिशेंट, एक्स का, और सी कॉन्स्टेंट का, है ना। तो छाप लीजिए जल्दी से, आई फॉर्मूला भी याद रखने, रटने वाली बात आ गया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। यह हो गया आपका इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक व्हेन व्हेन सम एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रूट्स आर गिवेन। जब दिया रहेगा क्या, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक होता है। यहां पे तीन चीजें आपको याद रखना है, छापिए। मैं एक बार फिर से रिकॉल करके जल्दी से आगे बढ़ता हूं। पार कर रहा है कि बुझा रहा है, ऐसा ना बुझाएगा तो फिर कोई उपाय ना है। सही बता रहा है, हाँ। थ्योरी जो बता रहे हैं इसको आराम समझते जाए, फिर क्वेश्चन लगाने में टाइम लगे, क्वेश्चन सट सट लग जाएगा आपका। दोनों तरफ तुलना कर दिए कि यहां x के गुना में ही है, तो वहां x के साथ गुना में क्या है, बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा। वहां कांस्टेंट है अल्फा बीटा, यहां कांस्टेंट है सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए हो गया। क्वाड्रेटिक का दो रूट्स, दोनों रूट्स का सम माइनस बी बाई ए, और दोनों रूट्स का जो गुणनफल होगा वो सी बाई ए होगा आपका। बोलो भाई, ऑनलाइन वाले कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा। सही बात है ना, ऑनलाइन वाले कमेंट करते ना ऑफलाइन वाले। मैंने ऑफलाइन में डरेगा क्या, है ना। आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना। देखो इसको मैं बता रहा हूं क्या क्या इसमें याद रखना है। जैसे कभी कोई क्वेश्चन दे देगा क्वाड्रेटिक, कहेगा इसका दो रूट्स है, बोलेगा उसका योगफल बताओ, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है, है ना। तो फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस बी बाई ए, सबको याद हुआ, बोलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। और कभी कहेगा कि मूलों का गुणनफल बताओ, तो सी बाई ए, है ना। देखिए सुनिए, क्वाड्रेटिक दे के योगफल और गुणनफल पूछेगा, जानते हैं कभी उल्टा रहेगा, कभी सवाल में योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, क्वेश्चन में योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, और समीकरण पूछेगा। समीकरण दे के जब योगफल गुणनफल पूछेगा तो माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, लेकिन कभी कभी जानते ई दोनों दिया रहेगा और आपसे समीकरण पूछेगा, बोलेगा किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल 9 है और मूलों का गुणनफल भी 9 है। क्वेश्चन आप कैसे सीखा, 2018 मेंस का है, मूलों का योगफल भी 9 है, मटेरियल में आपका है, और मूलों का गुणनफल भी 9 है, अल्फा प्लस बीटा भी दे दिया क्वेश्चन में, अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया, बोलेगा समीकरण बताओ, सीधे बोलेगा समीकरण, तो इकरा बैठाना पड़ेगा। देखो क्या इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक है, व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन, जब प्रश्न में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया रहे तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हैं। बताइए यहां पर क्या बैठा देंगे हम, अरे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या बैठा देंगे, 9 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा भी 9 दिया है, तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 9 बराबर 0, चार गो में एक ऑप्शन में रहेगा आपका, है ना। तो ऐसा भी होता है, उल्टा भी क्वेश्चन पूछेगा, मूलों का योगफल गुणनफल देके समीकरण पूछेगा, नहीं तो समीकरण देके ही पूछेगा, है ना। तो ई वाला तनी याद करना है सबको, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। देखो यहां माइनस साइन होता है और यहां प्लस साइन होता है। एक्स स्क्वायर माइनस मोलो का योगफल गुना एक्स और प्लस मोलो का गुणनफल बराबर जीरो, ये होता है इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक आपका। क्लियर है इतना? अब चलिए इसके बाद यहां पर आइए। इसके बाद देखिए आप सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए और बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का। तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, कहा हुआ जी? सरदर्द करने लगा क्वाड्रेटिक पढ़ के? पहले से ही कर रहा था। ठीक है, सुनिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आपका है ना, जीरो दिया हुआ है। अब देखिएगा यहां, सुनिए, ए से हमने क्या किया, सब में डिवाइड कर दिया। ए से हमने सब में क्या किया, डिवाइड कर दिया। बोलो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका बी बाई ए इंटू एक्स एक्स, और बराबर में हो जाएगा माइनस सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब तनी एकरा में माथा लगा देंगे। सुनो क्या करेंगे, दू से ऊपर गुना कर देंगे और दू से नीचे गुना कर देंगे, तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। दू से ऊपर भी गुना, दू से नीचे भी गुना, भिन्न के अंश में भी गुना, हर में भी गुना, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो हमने कर दिया। अब इसके बाद देखो यहां पर मामला क्या हो गया से, यहां पर देखो फॉर्मूला पर एक जा रहा है चीज आपका। देखो ये ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर, जहां पर ए का मान एक्स है, अब प्लस टू ए आई पूरा बी का काम करेगा। ए स्क्वायर प्लस टू और ए के जगह पर एक्स और बी के जगह पर पूरा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना। तो सुनिए यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का टू इंटू बी बाई टू ए इंटू एक्स, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, बी क्या है, बी बाई टू ए है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बी बाई टू ए का होल स्क्वायर जोड़ देंगे, और यही काम आरएचएस में भी कर देंगे। आरएचएस में भी बी बाई टू ए का होल स्क्वायर को जोड़ देंगे, तो उससे क्या दिक्कत है। एक ही संख्या को एलएचएस और आरएचएस दोनों में जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इधर भी जोड़ दिए उधर भी जोड़ दिए, बात बराबर है। ऐसा क्यों किए, तो फॉर्मूला पर सेट करने के लिए। देखो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही बी है, अब प्लस होना चाहिए बी स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर इधर भी किए और इसी का स्क्वायर उधर भी कर दिए, माइनस सी बाई ए था माइनस सी बाई ए है। अब बोलो ये फॉर्मूला हो गया जी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बराबर। बोलिएगा यहां पर क्या होगा जी, यहां पर देखिए थोड़ा एक स्टेप आप आगे बढ़ा दो डायरेक्ट, पहले बोलिए यहां पर क्या होगा, बी स्क्वायर बटा फोर ए स्क्वायर, तो फोर ए स्क्वायर और ए का लसा क्या होगा, फोर ए स्क्वायर होगा आपका, होगा ना, फोर ए स्क्वायर होगा, नहीं बुझाया, अरे ई हो जाएगा बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा फोर ए स्क्वायर और माइनस सी बाई ए, अब तनि भिन्न का घटाव करिए, फोर ए स्क्वायर और ए का लसा फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर, तो ऊपर में क्या हो गया बी स्क्वायर बी स्क्वायर, और a से इसमें भाग दिए तो 4a, और जाके उसमें गुना हो गया तो 4ac हो गया आपका, है ना, 4ac हो गया आपका 4ac हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर जाएगा उधर रूट में, ये स्क्वायर जाएगा उधर रूट में, तो देखिए क्या बचेगा, बचेगा x प्लस बी बाई टू ए, ठीक है, और एक साइड से स्क्वायर जब दूसरे साइड जाएगा तो प्लस माइनस दोनों छोड़ेगा, स्क्वायर जाएगा रूट में तो ऊपर में हो गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी,
अब देखिए 4a² का वर्गमूल करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब बताइए x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, तो e भी जाएगा इस तरफ माइनस में, तो हो जाएगा माइनस बी बाई 2a, अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है। अब बोलो यहां पर सब लोग, क्या 2a हम लसा ले लेंगे दोनों में, तो 2a जब लसा ले लेंगे तो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोले इससे भेंट मुलाकात हुआ है कभी? हुआ है। तो ये इसका प्रूफ है। इसी तरीके से इस फॉर्मूले को हम साबित करते हैं। इस फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम ही था श्रीधराचार्य, इसलिए इस फॉर्मूले का नाम भी वही है, क्योंकि वही इन्होंने इस चीज को बताया था, है ना। तो ये आपका है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, कहोगे सर ये क्या दे रहा है, तो बड़ी सिंपल बात है, कोई क्वाड्रेटिक को जब सोल्व करते हैं तो एक्स का मान कै को मिलता है, देखो क्वाड्रेटिक एक्स में है कि वाई में है, एक्स में है, तो एक्स का मान दोनों मिलेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसे रहता कि ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो वाई जो है ना वो क्वाड्रेटिक की वैल्यू होता आपका, है ना। अगर ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी बराबर जीरो, तो जेड होता क्वाड्रेटिक की वैल्यू, क्वाड्रेटिक जेड में है तो जेड का मान निकलेगा, वाई में क्वाड्रेटिक है तो वाई का मान निकलेगा, एक्स में क्वाड्रेटिक है तो एक्स का मान निकलेगा। तो बताइए एक्स का मान क्या मिला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। जानते हैं एक्स का दूगो मान मिलेगा, नहीं दूगो मान मिला, एगो को क्या कहेंगे अल्फा और दूसरे को बीटा कहेंगे। कहोगे सर दूगो मान कहां मिला, अरे एक बार प्लस साइन लीजिए, तो प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा, बोलिए सब लोग, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एगो मान मिला। आ एक बार माइनस लीजिए, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो एगो प्लस वाले को कहेंगे अल्फा, माइनस वाले को बीटा। फिर चाहे तो इन दोनों को जोड़िएगा ना, देखो लिख दे रहे हैं, अल्फा का मतलब यही हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये अल्फा का मतलब हो गया, और बीटा का मतलब हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये बीटा हो गया। एको प्लस में को माइनस में, जानते हैं इन दोनों को फिर जोड़िएगा ना तो माइनस बी बाई 2a आ जाएगा। आप यहां से भी उस चीज को प्रूफ कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़िएगा तो फिर माइनस बी बाई 2a और गुणा करिएगा तो फिर c बाई a आ जाएगा, लेकिन इससे सरल वो प्रूफ था वही बेस्ट आपका है, ठीक है। इसमें एक चीज और आप जानो, इसमें एक चीज और आप जानो, रूट के अंदर में आपको ये क्या दिख रहा है जरा पढ़ के सब लोग बताइएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विभेदकर या विवेचक बोलते हैं। तो इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है यहां पर हम ऊपर में लिख दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। देखो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पर छापना है, बीच में नहीं लिखना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। कहोगे सर डी क्या है, तो डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, NANT, डिस्क्रिमिनेंट, इसको हिंदी में कहते हैं विवित कर, या फिर इसको हम कहते हैं विवेचक। हिंदी में क्या कहते हैं जी, विवेचक कहते हैं हम लोग, विवित कर या विवेचक, नोट करिएगा इतनी बात। सवाल भी हम करेंगे इस पे, है ना, फिलहाल पहले इसको नोट करिए आप सब लोग।
एक बार फिर से रिपीट कर दे क्या? छाप लीजिए। हाँ, आप फार्मूला याद भी हो जाना चाहिए, वैसे तो बहुत सारे लोग को पहले से याद होगा, है ना। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, वही डी का मान बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है। मतलब जो आपको हम शॉर्ट तरीके बताया था ना, वो एक्स का मान निकालने का, द्विघात सॉल्व करने का, आप चाहे तो वो तरीके ना लगा करके फॉर्मूले पे बैठा के निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला मिला, बस ए बी सी का मान इस फॉर्मूले में रख दो, जो जो वहां रूट्स आया था ना वो यहां भी निकल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इससे भी आसान आपका वो है, है ना। लेकिन कभी कभी जानते हैं मजबूरी हो जाएगा इसका यूज करना, जानते हैं वहां टूटबे नहीं करेगा, जो भी चार पांच को सवाल लिए टूट गया तो जानबूझ के टूटने वाला लिए थे, है ना। अब ई बता दिए तो नहीं टूटने वाला भी रहेगा तो इस पर निकल जाएगा, तो बताना ये भी जरूरी है और जानकारी आपको ये भी लेना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी नहीं भी टूटता है क्वाड्रेटिक जीवे में, और नहीं टूटेगा तो सट सेकड़ा बैठा दीजिएगा कि कौनो टूट जाएगा इस पर। मास्टर फॉर्मूला है द्विघात तोड़ने का। चलो बढ़े आगे। ऐसे ज्यादा देखिए इस पे क्या बोलते हैं, इसके प्रूफ पर बहुत ज्यादा ध्यान कंपटीशन में नहीं देना होता है, समझ में आ रहा बात। कंपटीशन में प्रूफ थोड़ी ना मांगता है, बस इसका इंप्लीमेंट आपको आना चाहिए, ये चीज है बस आपको याद रहना चाहिए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है। ए का मान एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट, बी का मान एक्स का कॉफिशियंट, सी कॉन्स्टेंट, बस बैठा दो। एक्स का दो गो मान आएगा, एगो प्लस यूज करने पर, एगो माइनस यूज करने पर, एक को अल्फा कहेंगे दूसरे को बीटा कहेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य कहते हैं। और रूट के अंदर में जो मिला, क्या मिला था नहीं, सब लोग पढ़िएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मिला, है ना। इसी को हम डी कहते हैं, डी है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं विवेचक या विवेचकर। कोई पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो आपका जवाब होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद यहां पर हेडिंग लगाएंगे सब लोग, यहां पे हेडिंग लगाएंगे सब लोग, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब मामला ये है, जैसे आप बताइए क्वाड्रेटिक का कै गो रूट्स होता है, तो आपका जवाब होगा दो गो, एक अल्फा एक बीटा, अल्फा बीटा। तो आखिर उसका नेचर क्या है, नेचर क्या है, क्या किसी, कभी कभी देखते हैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो दोनों मान बराबर आ जाता है, अल्फा जितना उतने बीटा आ जाता है, यानी रूट्स इक्वल आ जाता है, आता है ना। और कभी कभी क्वाड्रेटिक देखते हैं सॉल्व नहीं होता है, तो उसको हम लोग इमेजिनरी रूट्स कहते हैं, काल्पनिक हल होगा वहां पर, इसीलिए सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, रियल में कुछ नहीं होगा आपका। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इस क्वाड्रेटिक का रूट्स रियल है, कैसे पहचानेंगे इस क्वाड्रेटिक का रूट्स इक्वल है, इमेजिनरी है, अनइक्वल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके आप कैसे पहचान पाएंगे, यही चीज हमें सीखना है ना। उसका नेचर को पकड़ना है कि इसका नेचर क्या है, क्वाड्रेटिक के रूट्स का नेचर क्या है। नेचर में आपका रियल एंड इक्वल आएगा, रियल एंड डिफरेंट आएगा, इमेजिनरी आएगा, आपने पढ़ा होगा इस चीज को, है ना। तो कैसे 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 पहचानेंगे ये चीज देखना है। तो देखिए बड़ा सिंपल बात है, इफ इफ पहली नंबर बात है, पहली नंबर बात है, इफ इफ डी इक्वल टू जीरो, यदि डी का मान जीरो होगा, डी समझते हैं। देखो अगर कभी किसी क्वाड्रेटिक का नेचर पता करना हो ना, तो सबसे पहला काम है डी निकालना। डी बराबर बोलिए फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। तो सबसे पहले आप डी निकालो, डी निकालो। अब अगर जीरो के बराबर आ गया, अगर जीरो के बराबर आ गया तो आप समझिएगा कि इसका जो मूल होगा वो सबसे पहले रियल होगा, रियल होगा एंड 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 इक्वल होगा। रियल मतलब हो गया वास्तविक और इक्वल मतलब हो गया समान, है ना। तनी बैठाइए तो डी का मान क्या होता है, डी का मान थोड़ा बैठाइए यहां पर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। इसको चाहे तो ये भी कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर, अरे माइनस मतलब प्लस में भेज दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी द्विघात समीकरण का दो गो मूल समान है, दोनों मूल समान है, इक्वल है, इक्वल है, तो d बराबर जीरो तो कह ही सकते हैं। साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि सर बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी होगा। मैं अगर कहूं कि अगर क्वाड्रेटिक का रूट्स इक्वल है,
आप बताओ इक्वल कब होगा, तो आप कह सकते हो कि सर बी स्क्वायर बराबर जीरो होगा, जब बी स्क्वायर बराबर जीरो फोर फोर एसी होगा ना, तो ये रियल एंड इक्वल हो जाएगा, नहीं तो डी बराबर जीरो आप कह सकते हैं। दूसरी बात है, यहां पर दूसरी बात है, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर दूसरी बात है, दूसरी बात है, देखो इफ इफ कभी ऐसा होगा कि डी का मान जीरो से बड़ा आ जाएगा, कभी डी का मान जीरो के बराबर हो, कभी डी का मान जीरो से बड़ा हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में रियल एंड अनइक्वल समझते हैं, मतलब बराबर नहीं, अलग 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 अलग। और तीसरी बात है, यहां पर तीसरी बात है कि इफ 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 डी लेस देन जीरो, कभी कभी डी जो है जीरो से छोटा हो जाएगा, है ना, तो वैसी स्थिति में आपका इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स आपका हो जाएगा, काल्पनिक हल हो जाएगा या काल्पनिक मूल हो जाएगा, है ना। बताइए डी का मान जीरो से छोटा मतलब निगेटिव ना जी, जीरो से छोटा क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है। अगर डी का मान कभी माइनस में आ गया तो समझना काल्पनिक हल होगा, और डी का मान कभी जीरो से बड़ा यानी प्लस में आ गया तो वो रियल एंड अनइक्वल, और अगर कभी डी का मान जीरो के बराबर आ गया तो रियल एंड इक्वल, वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, यहां काल्पनिक हल, काल्पनिक हल या काल्पनिक मूल्य, नोट करिएगा, यही तीन चीजें होता है। नहीं समझे इसका मतलब, किसी भी क्वाड्रेटिक का नेचर पहचानने का ये तरीके हैं, आप डी निकालो, और निकालिएगा तो पक्का यही तीन गो में से कोई ना कोई आएगा, या तो डी का मान जीरो के बराबर होगा, या तो डी का मान जीरो से बड़ा होगा, या तो डी का मान जीरो से छोटा होगा आपका। चलिए क्वेश्चन तनी लिखिएगा, इसको अगर लिख लिए तो इसका यूज क्या है मैं बताता हूं। लिखिएगा, याद रखना है सभी को, ठीक ना। हाँ देखो एक क्वेश्चन यहां पर, यही करिएगा, जी जमाई आ रहा है, रात भर का हो रहा था ओवर टाइम ड्यूटी, पढ़ने के टाइम में बताइए ना, अपने आप में रूटीन, अपने आप को रूटीन में मेंटेन करिए, है ना, रूटीन के अनुसार डालिए, है ना, तभी जाके कुछ होने वाला है, नहीं तो जानते हैं मामला फंस जाएगा फिर। अब रात का सोने का टाइम है, जागते रहिएगा, है ना, तो यही होगा अनटाइमली सारा चीज, पढ़ने का टाइम है सोइएगा, है ना, ये सब गड़बड़ बात है, खाने पीने का टाइम होगा तो पढ़ने लगिएगा, सारा पूरा दिनचर्या खत्म हो जाएगा, रूटीन में अपने आप को एकदम करना बहुत जरूरी है। बड़े आगे चलो, अब तो लिख लिए होंगे, चलिए यहां पर आइएगा, एक क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, के किस मान के लिए समीकरण और समीकरण क्या द्विघात है ना जो पढ़ रहे हैं, तब समीकरण 9x² + 8 × (k-5x) + 64 = 0 के मूल समान है। आपको यहां पर आंसर करना है, क्वेश्चन है हमारा लिख लेंगे सब लोग सट से, के किस मान के लिए समीकरण 9x² + 8 × (k-5x) + 64 = 0 का मूल्य समान है। बताइए मूल्य
समान है, समान है, तो इन तीनों में समान कहां दिखा आपको? पहला में दिखा समान है, है ना? तो समान जब होता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है, d बराबर जीरो, या अरे यहां के बाद का स्टेप ये है तो क्यों ना डायरेक्ट हम इसको यूज कर ले, अरे एक आधा स्टेप बचेगा, सीधे बी स्क्वायर बराबर 4ac कर लेंगे यदि रूट्स इक्वल रहेगा आपका, है ना? तो चलिए बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि हम ए कौन, बी कौन, सी कौन। तो बताइए ए किसको कहते हैं? एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को, बड़ा जल्दी बुला जा रहे हैं जी, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को हम ए कहते हैं। फिर देखो एक्स के कोफिशियंट को बी कहते हैं, हाँ, और कांस्टेंट को सी कहते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को ए कहते हैं, एक्स के कोफिशियंट को बी कहते हैं, और इसको हम सी कहते हैं। समझ में आ रहा बात? ए कहेंगे, बी कहेंगे, सी कहेंगे आपका, है ना? अब देखिए यहां पर अगर मूल समान है तो हम क्या जानते हैं, बी स्क्वायर बराबर 4ac जानते हैं, ये सबको पता है कि मूल समान होने पर यही होता है। चलो b बोलिएगा सब लोग, कितना होगा? तो 8 इंटू के माइनस 5 है ना, b है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बराबर बोलिए 4, और a का मान कितना, 4, 9, ए का मान 9 और सी का मान 64। आप सारे विद्यार्थी बताइए, देखो 8 इंटू के माइनस 5, अब बोलिए स्क्वायर को भेजेंगे उधर रूट में, स्क्वायर देखो एक साइड से जब दूसरे साइड जाएगा तो प्लस माइनस दोनों छोड़ेगा। अभी देखो ये चीज हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया, देखो कहां गया, हां ये जो स्क्वायर था ना वो जब दूसरे तरफ गया था तो इसमें प्लस माइनस आया था, यहां पर देख लो एक साइड से स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, तो देखिए यहां पे प्लस माइनस लिख दिया। अब बोलिए स्क्वायर किए तो जरा स्क्वायर रूट ना, तो बोलो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8 हो गया आपका, ठीक है? अब देखो 8 से 8 का राम नाम सत्य हो गया। अब बताइए क्या मिला, के माइनस 5 बराबर प्लस माइनस 6। अब देखो प्लस माइनस दो गो साइन आ गया तो पक्का दो गो मान मिलेगा, एक बार प्लस लेंगे तब और एक बार माइनस लेंगे तब। तो बोलिएगा अगर हम प्लस लेते हैं तो माइनस 5 जाके उधर जुड़ जाएगा तो 11, और अगर माइनस लेते हैं तो माइनस 6 और प्लस 5 माइनस का 1। एक बार प्लस लीजिए, एक बार लीजिए के माइनस 5 बराबर 6 तब 11 आएगा, और फिर के माइनस 5 बराबर माइनस 6 तो माइनस 1 आएगा आपका, तो यही के का मान हो गया। आंसर में दोनों है, है ना? हमारे पास आंसर है, देखिए लिखा हुआ 11-1। ये मेरा छोटा सा चिट्ठा है, अगर आप सारा क्वाड्रेटिक जो आधे पन्ना में लिख दिए हैं एक के तरफ में, दिखेगा नहीं दूर से, है ना? वो हमारा अपना भाषा में एकदम छोट 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 करके, है ना? आधा घंटा का हमारा मेहनत है 45 मिनट का इस पे। आगे बढ़े, आप लोग क्या लगता है खाली हम पढ़ाई भी करते हैं? 12 घंटा पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए हमको लगभग 2 घंटा तो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा डेली पढ़ना पड़ता है, और रोज, ऐसा नहीं कि सैटरडे को, डेली का रूटीन है। आगे बढ़ते हैं, हमको तो लगता है शादी वादी होगा तो कैसे समय निकलेगा, है ना? इसीलिए तो इसको डिले कर रहे हैं ना, फिर बैच कम करेंगे दुगो, है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चल आप लोग के मन में लड्डू फूट रहा है नहीं कि हम लोग कैसे करेंगे, है ना? कुछ लोग सुने तो हम तो फ्री है, फ्री है ना? चलिए यहां पर देखिएगा सब लोग, यहां पर देखिएगा, देखिए बाकी हम सवाल मेटेरियल में बहुत सारा इस तरह का होगा इस नेचर ऑफ रूट्स पर, है ना? इसके बाद थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हम कहेंगे यदि, लिखिएगा सब लोग, यदि यदि समीकरण का मूल मूल एक दूसरे का
व्युत्क्रमानुपाती हो, यदि समीकरण का मूल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो, है ना, यदि समीकरण का मूल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर रेसिप्रोकल टू इच अदर, नहीं अंग्रेजी लगता बुझा लगा हमको ना, ये सब ऐसी टूटी फूटी भाषा है ना, और टूटी फूटी भाषा ही तो बिहार के लोग को आता है नहीं, तब इतना में काफी है, तब है ना मैडम को आता है, मैडम को आता, मैंने कभी पूछा तो नहीं है ना, अब पूछ के अपनी बेइज्जती कराया कराता होगा तो, है ना, तब उस समय दिक्कत है, फिर मान लेते इंग्लिश में अगर लेक्चर बाजी कर ले तो फिर हमको फिर समस्या हो जाएगा, फिर हम गणित में शुरू कर देंगे फिर, है ना, तब अरे एक तो अपना सब्जेक्ट है ना, एक तरफ से पढ़ रहा मेरा गिरने लगा, दूसरे तरफ से भारी कर देंगे, है ना, चलो लेकिन बैलेंस बना के चलना है ना, हाँ आइए, यदि समीकरण का मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो, अब सीखिएगा, मान लेते हैं इसका रूट्स जो है ना, इसका रूट्स पहले यहां पर समीकरण का मेंशन कर दीजिए, या हाँ यहां पर इसका जो रूट्स है वो देखो, अल्फा बीटा अलग अलग नहीं है, जैसे एक मूल अल्फा है तो दूसरा होगा वन बाई अल्फा, व्युत्क्रम समझते हैं ना, हाँ तो एक अल्फा तो दूसरा बीटा नहीं, उसी को लटके लिख देंगे वन बाई अल्फा। अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू वन बाई अल्फा बराबर सी बाई ए होता है क्या, अरे मूलों का गुणनफल क्या पढ़ा है, सी बाई ए, तो यहां पर पहला मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा नहीं है, वन बाई अल्फा है, तो गुना कर दिए तो कट गया, आ कट गया तो इधर चल गया, यानी ए बराबर सी, तो याद रखिएगा है ना, कि अगर अगर समीकरण का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है तो ए बराबर सी होता है, याद रखिएगा ए बराबर सी होता है। एगो सट से क्वेश्चन करेंगे यहां पर हम, हाँ एगो उदाहरण यहां पे लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस पे भी सवाल बनता है। क्वेश्चन हमारा है, यदि द्विघात समीकरण, लिखिएगा जल्दी जल्दी, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण 16x² - 133x + k² = 0 का मूल, का मूल, मूल मतलब रूट्स व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है तो k का मान ज्ञात करें। बोलिए जी, अभी मैंने पढ़ाया कि जब किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स इन एक दूसरे का इनवर्स हो, तो बताइए a बराबर c होता है, a पता है क्या है, x स्क्वायर का कोफिशियंट, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बोलो यहां x स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, 16 है, तो a देखो a बराबर 16, और c का मान बोलिए k स्क्वायर, तो k स्क्वायर बराबर 16, तो k बराबर प्लस माइनस, एक साइड से स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस दोनों छोड़ता है, तो के का मान हो गया प्लस माइनस, आंसर देखिए ज्यादा माथा नहीं लगाना है, जब भी बोल देगा व्युत्क्रमानुपाती है तो याद रखना ए बराबर सी होता है, ए बराबर बीच में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, वो सब सेटिंग रहता है ना, ए बराबर क्या होगा सी होगा, तो ए का मान 16, सी का मान के स्क्वायर, के का मान प्लस माइनस 16, ए बराबर सी कब करेंगे बोलिएगा, जब दोनों मूल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, आपका दोनों मूल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। बढ़े आगे, माइनस 16 नहीं रहेगा, देखो के स्क्वायर बराबर माइनस 16, इसका मतलब के का मान अंडर रूट माइनस 16, इसको क्या कहते हैं आप ही बताइए, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, तो इमेजिनरी जब है तो फिर के का कोई प्रॉपर वैल्यू मिलेगा नहीं, तो माइनस 16 यहां होगा नहीं, सब सेटिंग रहता है ना, हाँ चलिए हो गया है ना, इधर देखिए आए यहां पर देखो, 2 मिनट 1 मिनट हम थोड़ा क्यूबिक इक्वेशन पर समय दे देते हैं, क्योंकि यहां से भी सवाल बनता है कभी कभी, रियर बनता है क्यूबिक इक्वेशन से आपका, है ना, तो यहां पर थोड़ा हेडिंग लगा लेंगे क्यूबिक इक्वेशन,
इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिघात। कैसे लिखा था, त्रिघात, ऐसे त्रिघात, त्रिघाता हो गया, त्रिघात समीकरण। शॉर्ट में लिखे ना समी डॉट जीरो दे दीजिए, है ना। इक्वेशन लिखना है, इक्यू लिख के माथा पर रगड़ दीजिए इसे, है ना। इक्वेशन हो गया आपका। देखिए यहां पर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन। यही क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये भी पूछा जाता है जी, मैंने देखा है सवाल में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बताया था शुरुआत में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। देखिए एगो एक्स क्यू वाला टर्म होगा, एगो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एगो एक्स वाला टर्म होगा, वो कॉन्स्टेंट आपका होगा, है कि नहीं बात। कोई पूछेगा कितना डिग्री होता है इसका, तो कोई पर्टिकुलर टर्म में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, तीन है, तो डिग्री कितना होगा, तीन होगा। अच्छा इसका रूट्स क्या गो होगा, तीन गो होगा, तो यहां पे लिखेंगे रूट्स आर अल्फा बीटा और गामा, इसको कहेंगे गामा, अल्फा बीटा गामा, इसका तीन गो रूट्स होगा, ठीक है, तीन गो रूट्स होगा। तो याद रखना यहां पर पहला नंबर फॉर्मूला, अगर कोई कह देगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आपका जवाब होगा माइनस बी बाई ए होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। अगर कह देगा किसी त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल बताओ, तो आपका जवाब होगा माइनस बी बाई ए। फिर इसके बाद दूसरा नंबर कहेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, तो आपका जवाब होगा सी बाई ए, यस सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। फिर देखो तीसरा नंबर एक और होता है, अल्फा गुना बीटा गुना गामा माइनस डी बाई ए होता है आपका। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में भी इससे सवाल बना हुआ है, एसएससी भी बना है, है ना। कोई भी त्रिघात समीकरण देके आप पूछेगा कि देखा, सबसे पहले तो उसका रूट्स क्या होगा, तीन गो, द्विघात में जैसे दो गो, यहां तीन गो, चतुर्थघाती में चार गो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होगा आपका। आप देख रहे हैं ए क्या है, तो एक्स क्यू का कॉफिशियंट, बी क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, एक्स सी क्या है एक्स का कॉफिशियंट, और कॉन्स्टेंट क्या है डी आपका है। तो तीनों फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस पे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा वो फॉर्मूला बेस्ट बनेगा, वो फॉर्मूला बेस्ट बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, छाप लिए इसको। चलो इसके बाद जो है एक क्वेश्चन भी हम लोग इस पे करेंगे, क्वेश्चन इस पे करेंगे। देखो एक और चीज थोड़ा सा इसमें लिख लो, एक और चीजें हैं। देखिए आप सब लोग बताइएगा क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन, थोड़ा यहां से बोलिए तो सब लोग, ए एक्स क्यू अब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी। अच्छा एक बात बताइए, इसका रूट्स हो गया अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का रूट्स है। अगर आपसे हम पूछे कि इसका फैक्टर कै गो होगा, तो फैक्टर तीन गो होगा, इसका फैक्टर तीन गो होगा, ए गो होगा एक्स माइनस अल्फा, और दूसरा होगा एक्स माइनस बीटा, और तीसरा होगा एक्स माइनस गामा होगा। अब आप बताइए कि यदि तीनों फैक्टर को फिर से गुणा कर देंगे तो क्या क्यूबिक इक्वेशन नहीं बन जाएगा, है? तो ये तीनों क्या हो गया, तो इसका फैक्टर्स हो गया। और ये चीज, ये लाइन आपको सिखा रहा है, बताना चाह रहा है कि अगर तीनों फैक्टर को गुणा करिएगा तो वापस ये क्वाड्रेटिक आपको मिल जाएगा, सॉरी क्यूबिक मिल जाएगा, है कि नहीं बात। इसका तीन गो रूट एक्स के साथ इधर दो, माइनस में फिर माइनस में फिर माइनस, होता है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, तीन को इसका रूट्स हो गया, तीनों को गुणा करेंगे फिर से वापस क्यूबिक मिल जाएगा। तो यहां पर इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा और अगला एक सवाल लिखिएगा यहां पर।
अगला सवाल यहां पे लिखिएगा सब लोग। एक सवाल लिखिएगा यहां पर, लिख लिए इसको। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे जी। देखिए क्वेश्चन हमारा है, यदि लिखिएगा, यदि यदि एक्यू माइनस का 7a माइनस का 6 माइनस का 6 के तीन गुणनखंड, के तीन गुणनखंड, तीन गुणनखंड पता है कौन कौन है? x है, y है, z है, z है, x है, y है, z है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ऑप्शन में आपका दे रखा है 3a, ऑप्शन में दे रखा है 3, फिर दे रखा है a और फिर दे रखा है 0। ये हमारा ऑप्शंस है, ऑप्शन है। क्वेश्चन एक बार मिला लीजिएगा, यदि aq माइनस का 7a माइनस का 6 का तीन गुणनखंड एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, तो यहां पर कहता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ कितना होगा। आप लोग सवाल को बढ़िया से पढ़ नहीं रहे, क्या कह रहा है? आप लोग उसको मूल सोच ले रहे हैं, अल्फा एक्स वाई जेड, ये मूल लिखा है कि गुणनखंड लिखा है? ये देखो ये जो गुणनखंड है ना, इसको कह दिया एक्स, इसको कह दिया वाई और इसको कह दिया जेड। क्या लिखा है? एक्स वाई जेड गुणनखंड है, फैक्टर है, फैक्टर है। तो ये हो जाएगा पूरा एक्स, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा, फैक्टर को नाम दिया एक्स वाई जेड। आप इसको सोच रहे हैं एक्स वाई जेड, रूट्स को सोच रहे, गड़बड़ बात है ना। तो सुनिए मैं जो बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। बोलिए जी, ये क्या है? ये आपका है क्वाड, क्यूबिक हमारा है, क्यूबिक इक्वेशन है एक क्यू और माइनस का क्या 7a माइनस का 6। एक और चीज है इसमें, थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई, यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, a इज नॉट इक्वल टू 0, इतने लिख लीजिएगा यहां पर उसी के जैसा। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, सोचो जरा, अगर a का मान 0 हो जाएगा तो एक्स क्यू वाला टर्म खत्म ना, एक्स क्यू वाला टर्म खत्म हो गया तो फिर क्यूबिक रहेगा? पावर तीन वाला तो जरूर रहना चाहिए, तबे नाम होकर क्यूबिक है। अब पावर तीन वाला खत्म हो जाएगा तो फिर क्यूबिक थोड़े ना रहेगा, फिर तो खत्म होगा तो फिर तो द्विघात हो जाएगा फिर ये। तो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे में जरूर लिख लीजिएगा, यही चीज मैंने वहां भी लिखाया था क्वाड्रेटिक में, याद होगा आपको, है ना। चलो तो यहां पर आते हैं, तो एक क्यू माइनस 7a माइनस 6। देखो एक क्यूब को देखने से पता चल रहा है कि क्यूबिक है, क्यूबिक है, क्यूबिक है। मान लिए कि ए गोमूल अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा है, तो फैक्टर क्या होगा? फैक्टर इसका होगा ए माइनस अल्फा, दूसरा होगा ए माइनस बीटा और तीसरा होगा ए माइनस गामा होगा आपका। अब देखो ये क्यूबिक ए में है इसलिए ए ले रहे, ए माइनस अल्फा, ए माइनस बीटा, माइनस, मतलब तीनों को गुणा करेंगे तो फिर से ही मिल जाएगा। पता है इसी को कहा गया यहां पर एक्स और इसी फैक्टर को कहा गया वाई और इसी फैक्टर को कहा गया जेड। तो ऐसा करिए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताओ कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताओ कितना है। तो क्या करेंगे इसको हम जोड़ देंगे, जोड़िए ए ए ए कितना 3a, 3a। अब माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा आपका। इसका मतलब पता है क्या है? अल्फा बीटा गामा क्या? मूलों का योगफल, और अभी पढ़ाए हैं मूलों का योगफल, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और बी क्या था? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट था। तो आइए ना, यहां पर हो जाएगा आपका 3a, 3a, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, जहां पर बी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है। आप बताइए ए स्क्वायर का टर्म यहां है क्या? एक क्यूब का है, एक का है, लेकिन ए स्क्वायर का टर्म है नहीं, इसका मतलब ए स्क्वायर का कोफिशियंट जीरो होगा। तो यहां पर लिखा जाएगा जीरो बटा ए, 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 ए कितना है? वन है, वन है, तो जीरो बटा वन जीरो। अब थ्री ए में से जब जीरो घटेगा तो आंसर क्या होगा? थ्री ए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? पसे पलट गया सीधे आपका, नहीं
तो वही तो मैं बोल रहा था कि आप सोच रहे थे खाली इतना ई वाला, आप सोच रहे थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, आप इसलिए आप जीरो बोल रहे थे। मैं बार बार कह रहा था कि ये एक्स वाई जेड क्या है, ये अल्फा बीटा गामा नहीं है, ये जो है इसका रूट्स नहीं है, ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स है। इसका मान एक्स है, इसका मान वाई है, इसका मान जेड है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, थ्री ए माइनस में इतना हो गया। अब इसका मान ये है रूट्स का योगफल, माइनस बी बाई ए रख लेंगे, थ्री ए में से जीरो घटेगा तो आंसर हमारा थ्री ए हो जाएगा। है? उसे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अगर माइनस में आने को रहेगा तो माइनस माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन यहां पे लिखिएगा सब लोग, इसमें कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा। जीरो बाई वन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, माइनस बी बाई ए। आप बताओ कि बी क्या होता है, वहां पर बी क्या होता है, बी क्या था, बी क्या था, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है ना। आप बताइए इसमें एक्स स्क्वायर, देखो क्यूब वाला है, पावर वन वाला है, स्क्वायर वाला इसमें है कहीं क्या, तो स्क्वायर वाला नहीं है, कर मतलब कर गुणनफल जीरो होगा, है ही नहीं तो जीरो होगा, वही जीरो ऊपर लिख दिए और नीचे में कुछ भी रहे उसे क्या दिक्कत है, जीरो बटा एनी नंबर जीरो होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां क्वेश्चन लिखेंगे, यदि समीकरण लिखेंगे, यदि समीकरण, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस में के बराबर जीरो, जीरो के मूल, के मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो नहीं तथा, तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर वन, तो के इक्वल टू व्हाट, ये हमारा क्वेश्चन है, के इक्वल टू व्हाट, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिएगा यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो का मूल अल्फा और बीटा है, बोलो यहां सब लोग एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और एक्स के कॉफिशियंट को बी कहते हैं, कांस्टेंट को सी कहते हैं। तो आप सब लोग बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। तो बोलिए माइनस बी बाई ए, तो क्या ही फाइव हो जाएगा, माइनस बी, बी ऑलरेडी माइनस में है, बी का मान कितना है माइनस पांच, अब माइनस से गुना होगा तो प्लस पांच हो गया, अब बटा ए, ए का मान वन, वन वन बटा वन नहीं लिखे छोड़ दिए। अब बोलो अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन में दिया है कितना, वन दिया है ना जी, अब अल्फा प्लस बीटा यहां आया माइनस बी बाई से पांच आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा का मान तीन और बीटा का मान दो, नहीं जो पता चल रहा है कि तीन दो जोड़ने पर पांच, अब तीन में से दो घटाने पर एक, सोचिए कहकर कौन दुगो मान है जिकर जोड़े तो पांच घटाए तो एक, तो तीन और दो नहीं हो गया। अब सवाल कहता है कि के का मान बताओ क्या है, तो आप सारे विद्यार्थी बताइए अल्फा तीन बीटा दो, क्या है ये अल्फा गुना बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए यानी के बाई वन, के बाई वन यानी के का मान छह हो जाएगा आपका। यहां पर यूज हुआ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी हुआ, किसी को ना बुझाया बोल सकते हैं, पूछिए पूछिए, पूछना मनाना है। अब जो पेपर दिए हैं पेपर को खोलिए सट से, थोरी का एंड हो गया, अब जो भी चीजें यूज होगा वो इतना में से ही यूज होगा आपका, ठीक है, इतना में से ही यूज होगा। इन सारे जितने भी चीज मैंने थ्योरी में पढ़ाया है ना, अभी क्वेश्चन से मैं करा रहा हूं, घर पे जाकर के उन सारे चीज को रिवाइज करना है, जो रटने वाला चीज है फॉर्मूला, देखो एडवांस पढ़ रहे हो तो फॉर्मूला तो हर चैप्टर में आपको याद करना पड़ेगा, वहां से आप नहीं बच सकते हैं, है ना, तो ज्यादा भी नहीं, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, तो सारे फॉर्मूलाज को याद करना है। मैंने लगभग पांच सात को सवाल भी इस पे कराया है थ्योरी के टाइम में, है ना, तो सवाल पे भी अभ्यास करना है। फिर अब मटेरियल सब लोग खोलिए, वो अपना पेपर जो है खोलिए, पेपर खोलिए, पेपर में आपका क्वेश्चंस वही है जो
एडवांस के आपका बुक में है, दोनों सेम ही चीज है आपका, है ना। मैं भी यहां पर खोल ले रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। और सब कुशल मंगल है ना सभी का? पार कर गया कि बुझाया? समय दिए तो कुछ फायदा हुआ? हुआ तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मामला गड़बड़ा रहा है। होना चाहिए वैसे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा सुंदर अक्षर में लिखा हुआ है। देखो हमारा बिहार पुलिस का पूछा गया सवाल ही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सुधार करना है। यहां अल्फा कर लो और यहां बीटा कर लो आप, ठीक है। सोच रहे पहले क्वेश्चन में ऐसा, तो पहले में ऐसा बाकी ऐसा ना होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा यहां पर। हाँ मेहताब आलम बिल्कुल, पढ़ाई करो यहां, यहां फोकस ज्यादा होना चाहिए, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन सर, इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। कहता है कि अल्फा बीटा समीकरण इतना का मूल्य है, आप बताओ यहां पर क्या इसको सॉल्व करके आप मान निकाल सकते हैं। देखो मैंने शॉर्ट में सिखाया है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। मैं चाहता हूं एक्स का मान आप बता दो सट से, तो बोलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया? प्रोडक्ट छ हो गया। छे का ऐसा दो गुणनखंड जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस का पांच आवे, तो माइनस का तीन और माइनस का दो, माइनस तीन माइनस दो जोड़िए ना, माइनस पांच और गुना करिए छ। अब एक्स का मान लिखना है, चैप्टर के शुरुआत में मैंने पढ़ाया है, तो चिन्ह को क्या करेंगे? बदल देंगे, तो तीन और दो हमारा आंसर हो जाएगा, बट्टा में एक, बट्टा एक। तो यही एक्स का मान हो गया तीन दो, इसी में एक को अल्फा कह देंगे और दूसरे को बीटा कह देंगे, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें बैठा दीजिए, बोलिए अल्फा का मान तीन बैठाएंगे तो तीन का स्क्वायर नौ, और बीटा का मान दो बैठाएंगे दो का स्क्वायर, तो नौ में से चार घटेगा आंसर पांच, नन हो जाएगा आपका। तो जो क्वाड्रेटिक दिया है उसको सट से सोल्व कर देना है, मैंने बताया है। तो जो भी दो मान मिला, एक को अल्फा कहेंगे दूसरे को बीटा कहेंगे, और अल्फा बीटा का मान बैठा दो आंसर। किसी को पूछना है बोलिएगा। आपको भाई साहब समझ में आ रहा है? वहां पर टी शर्ट आ रहा है? आ रहा है, बड़ा सोच के बोल रहे हैं जी, हैं? डाउट किसी को भी वो बताइएगा। सुनिएगा, अल्फा बीटा इसका शून्यक है, तो कह रहे अल्फा प्लस बीटा कितना है बताइए। एकदम लॉलीपॉप सवाल है, हलवा है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। आप भाई साहब टी शर्ट वाले ही, हाँ। देखो ये द्विघात दिया है क्वाड्रेटिक, अब अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछता है फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, आपको बताना है। वही जो कौन सा कलर है, ऐसा हाथ करिए। हाँ हाँ आगे वाले, हाँ आप ही बताइए। अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछ रहा है माइनस बी बाई ए होता है, आप बताइए इसमें कि बी कितना होगा। कोई नहीं बोलेगा? माइनस तीन, माइनस तीन सही है बोले जी। अच्छा अब ए कितना, एकरा में ए कितना? वन, ठीक तो है, तो माइनस थ्री आंसर हो गया। बड़े आगे, अरे एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को ए बोलते हैं, इसको एक्स के कोफिशियंट को बी बोलते हैं, इसको सी, तो बी का मान तीन हो गया, लेकिन फॉर्मूला में माइनस है इसलिए माइनस तीन, अब बटा ए, ए का मान वन है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अल्फा इंटू बीटा पूछता है, सवाल कहता है कि अल्फा इंटू बीटा बताओ, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बोलिएगा सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए। तो बोलिए सी का मान कितना? माइनस दस, और ए का मान दो, तो माइनस दस बट्टा दो, मार दीजिए सट से माइनस पांच, माइनस पांच हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ बोलिए। चलो
यहां पर आ जाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, बताइए सबसे पहले तो बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान वहां कितना होगा। सब लोग बोलिए 7/2 होगा क्या? अल्फा प्लस बीटा 7/2, माइनस बी बाई ए होता है, फॉर्मूले में माइनस होता है, आई माइनस पहले तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7/2। अच्छा बोलिएगा अल्फा इंटू बीटा, बोलिए सी बाई ए यानी 12/2 कितना हो गया। तो हमने इस क्वाड्रेटिक के मदद से अल्फा प्लस बीटा भी लिख लिया और अल्फा इंटू बीटा भी लिख लिया। क्लियर है ये? अब क्वेश्चन क्या पूछता है जरा वो पढ़ो आप। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा बताओ, है ना। तो देखो मेरी बात को सुनिए, ऐसा जब भी सवाल रहेगा ना तो आपके पास दो ही चीज तो है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा है ना तो अल्फा इंटू बीटा है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, है? अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। कोशिश करना है इस सवाल को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बदल ले। कैसे होगा? तो लसा लेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो लसा लिए तो हो गया अल्फा इंटू बीटा, ई जाके इसमें गुना हुआ तो अल्फा स्क्वायर और ई जाके इसमें गुना हुआ तो बीटा स्क्वायर, है कि नहीं बात। अभी भी देखो अल्फा इंटू बीटा तो बन गया लेकिन अभी भी अल्फा प्लस बीटा नहीं बना है, बना है क्या? नहीं। तो देखो अलजेब्रा का एक छोटा सा सूत्र लगेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अब बटा में होगा अल्फा इंटू बीटा। अब बोलो यहां पर, अब बोलिए जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में। करना क्या है? अब बोलो करना क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 7/2 बैठाना है, अब अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 6, कितना जगह 6 दूना, यहां पर भी 6, तो क्या बैठा के सोल्व कर लीजिएगा? ये आपका काम है, ये आंसर बोलिए 1/24 हो जाएगा आपका, ये कर लीजिएगा, है ना। इतनी करिए, कोई जरूरत नहीं कि लाइन बाय लाइन एकदम आप करीब करें, है ना, वो थ्योरी में बैठा लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा 7/2 और अल्फा इंटू बीटा 6, थोड़ा भिन्न का घटा ऊपर करके काटिएगा ना, आ जाएगा 1/24। आगे बढ़ते हैं हम, आइए पूछना रहेगा बोलिएगा। सट्टा सट बढ़िए ताकि समय के अंदर हम लोग सब क्वेश्चन देख लें, डाउट होगा पूछिएगा। देखिए अल्फा और बीटा समीकरण इतना का मूल्य है तो कहता है इसका मान कितना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना कोशिश करिएगा इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ही लिखने का। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान का ही फॉर्मूला होता है, दूसरा किसी का थोड़ी ना होता है। इसलिए प्रश्नों को बदलिएगा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटे में, है ना, सब सेटिंग रहता है ना, वो बदलेवे करेगा आपका। बोलिए क्या इन तीनों में अल्फा बीटा कॉमन है क्या? सब में कॉमन है। बोलो अल्फा एगो बीटा निकाल लेंगे तो बीटा बच जाएगा, आ एकरा में अल्फा बीटा निकालेंगे तो अल्फा बच जाएगा, आ एकरा में अल्फा बीटा निकालेंगे 1 बच जाएगा, नहीं हो गया? अरे अल्फा बीटा सब में से निकाले तो खाली बीटा, खाली अल्फा वहां 1 बच गया। अब बोलो सब लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, इसी को ए कहते हैं, ये बी हो गया हमारा और ये क्या हो गया? सी हो गया। क्या आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके अल्फा प्लस बीटा बता सकते हैं? बोलिए फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। देखो माइनस बी और ए का मान कितना है? 1 है, तो 1 नहीं लिखे नीचे, छोड़ दिए, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी हो गया। बोलो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाई ए, ए का मान 1 नहीं बोल रहे जी, ए का मान 1, तो ए हो गया अल्फा इंटू बीटा, ए हो गया। अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी और अल्फा इंटू बीटा हो गया सी। आपको लग रहा है कि क्रम में चिपका देंगे, आंसर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी सी। अब बोलिए अल्फा प्लस बीटा, बोलो
माइनस बी, माइनस बी प्लस वन, इसको तनी सही से लिख लीजिए, वन माइनस बी, आंसर ए नंबर। अरे वन को पहले कर दिए, माइनस बी को पीछे कर दिए, उससे क्या दिक्कत है? कुछ कहना है बोलिएगा। टोपी वाले भाई साहब, वहां बॉय जो लिखा हुआ है टोपी पे, खड़े होइए। समझ में आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा बताइए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई एस, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, सही बोले जी? सही है, क्योंकि आवाज यहां ना आया लेकिन चला काफी देर तक ना। ठीक है, बैठिए, बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, 1/24 आंसर अभी जो ऊपर बताए थे भी, है ना। चलिए 7 नंबर सवाल पे आते हैं। देखो भाई, यहां पर इस सवाल की एकदम कह सकते हैं पोस्टमार्टम करना पड़ेगा बढ़िया से, जानते हैं। यहां पर एक अलजेब्रा का सूत्र है, मैं लिख रहा हूं, जरी ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो a माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर पता है क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू होता है। क्या बेटाया है, कभी मुलाकात हुआ इसे? हुआ है ना? नहीं, जिनको हुआ है कर लीजिए भेंट, है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अलजेब्रा का एक छोटा सा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूले का यूज करेंगे सवाल यूं ही खत्म हो जाएगा। चलो बताइएगा सब लोग, यहां पे क्या दिया हुआ है? अब हम सवाल पे आते हैं। देखो बिल्कुल सटीक तरीके आपको मैं बताता हूं, सवाल में क्या दिया है बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर दिया है, बराबर में जीरो दिया है ना। देखिए, जानते हैं इसको बढ़िया से निहारिए, है ना, तो पाइएगा कि यही वाला फॉर्म है, बस ए के जगह पर एक्स है और बी के जगह पर वन है। यहां हो गया ए बी, यहां हो गया एक्स गुना वन बराबर एक्स, यही वाला फॉर्म है कि नहीं है? बोलो, ए का मान एक्स है और बी का मान वन है, तो बगल में देखिए क्या a माइनस बी, तो हमने क्या किया, a का मान x है, b का मान 1 है, तो x माइनस 1 से इधर भी गुना कर दिए और x माइनस 1 से इधर भी गुना कर दिए, माथा लगा दिए, क्या दिक्कत है? अरे एक के संख्या से गुना दोनों साइड कर सकते, स्वतंत्र हैं। अब बोलो ये फॉर्मूला हो गया एक क्यू माइनस बी क्यू, यानी x का क्यू माइनस 1 का क्यू बराबर जीरो, जीरो से जो टकराएगा सब जीरो बन जाएगा, है ना। अब बोलिए एक्स क्यू बराबर कितना हो गया? अरे बोलो वन, एक्स क्यू बराबर वन हो गया, एक्स क्यू बराबर वन हो गया, और अल्फा बीटा क्या है? एक्स ही तो है, एक्स का ही मान तो एक अल्फा एक बीटा कहते हैं, तो एक्स क्यू बराबर वन आ गया, इसका मतलब अल्फा क्यू का मान भी वन हो गया और बीटा क्यू का मान भी वन हो गया। अरे एक सही तो अल्फा बीटा है, तो अल्फा क्यू भी वन, बीटा क्यू भी वन, काम इसे यहां से हमारा हो जाएगा। अब सुन लीजिए सब लोग, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, अल्फा पावर फोर और बीटा पावर फोर, तो अल्फा पावर फोर का मतलब क्या होता है? अल्फा क्यू गुना अल्फा, नहीं समझ रहे हैं? अरे अल्फा क्यू गुना अल्फा, अब बीटा पावर फोर का मतलब बीटा क्यू गुना बीटा, अब बोलो अल्फा क्यू का मान, अरे वन, अब बीटा क्यू तो वन इंटू अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, समझो ई नहीं पूछ रहा आपसे, समझो आपसे ये नहीं पूछ रहा है, इसके बदले हमने प्रूफ कर दिया अल्फा प्लस बीटा, यानी आपसे समझो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अब बोलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस वन बाई वन, आंसर सी नंबर ऑप्शन, नहीं हो गया तो एकरा से यूज कर लेना, तो बड़ा आसान हो जा रहा है सवाल आपका, नोट करिएगा। पार कर गया क्या? एक बार मैं रिपीट कर दूंगा, पहले इसको नोट कर लीजिएगा।
और देखो जितना जो बड़का बड़का पावर वाला क्वेश्चन होगा ना, उस सबको इसी वाले फॉर्मूला से तोड़ के बड़ा इजी वे में कर सकते हैं। आप लोग को रीजनिंग का क्लास अगर इसी प्रकार से करना है तो कल इतवार है, इतवार को, इतवार मतलब संडे है ना, समझ रहे होंगे उम्मीद है ना। हाँ तब ऐसा थोड़े आप लोग लंदन से पहुंचे है ना कि संडे ही जानते होंगे। तो 4 PM संडे को 4 PM 4 से 6:30 ढाई घंटा कल लगेगा। चैप्टर होगा आपका क्लॉक, थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चंस भी कराया जाएगा आपका। यह भी बिल्कुल फ्री क्लासेज, फ्री नोट्स, सबको आना है। ऑनलाइन नहीं रहेगा, सिर्फ ऑफलाइन रहेगा। ये बैच हमारा अभी ऑनलाइन है लेकिन एप्लीकेशन पर है ना, तो ये ध्यान रखना है। संडे को 4 बजे कल क्लॉक चलेगा आपका है ना, एक चैप्टर क्लियर आपका। बड़े आगे देखो मैंने क्या किया, इसमें ई वाला फॉर्म है ये, तो ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वन से इधर भी गुणा, तो फॉर्मूला हो गया एक्स क्यू माइनस वन का क्यू, यानी एक्स क्यू का मान 1। और देखो अल्फा बीटा गामा जो भी है वो एक्स का तो मान होता है, तो एक्स क्यू अगर 1 तो अल्फा क्यू 1 बीटा क्यू 1 हो गया आपका, ठीक है। अल्फा क्यू भी 1 बीटा 1 भी क्यू, बीटा क्यू भी 1। और देखो इसको लिख सकते हैं अल्फा क्यू गुना अल्फा बीटा क्यू गुना बीटा, अल्फा क्यू 1 तो 1 इंटू अल्फा अल्फा, 1 इंटू बीटा बीटा, यानी पूछ जरूरी रहा है लेकिन इसी के बराबर हमने प्रूफ कर दिया अल्फा प्लस बीटा कि ये किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। अब लगा दीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो ev1 विथ नेगेटिव साइन माइनस वन आंसर। कुछ पूछना है बोलिएगा, बोलिए कहां पर ये, हाँ तो कितना मान आया, अल्फा का मान 1 और बीटा का मान 1 नहीं रख सकते हैं ना। देखो एक चीज सुनिए, आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या पढ़ा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ग्यारहवीं क्लास में पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो मैं आपको बता दूं, देखो एक्स क्यू बराबर यहां पर सिर्फ 1 है, मैंने क्या एक्स बराबर 1 लिखा है, नहीं लिखा है क्योंकि x बराबर 1 होगा ही नहीं यहां पर। देखो x बराबर होगा क्या क्यूब रूट ऑफ 1, और 1 का क्यूब रूट सिर्फ एक ही नहीं होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अगर 1 पर ये चीजें सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इसका मतलब ये ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर पर करेगा, तो ये काफी अंदर की बातें हैं, ठीक है। आपको सिर्फ अल्फा एक्स क्यू बराबर 1 यूज करना है, ना कि एक्स बराबर 1 यूज करना है ना, x बराबर 1 नहीं करना है फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहां पर सब लोग ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल्य समान है। देखिए पेशेंस नहीं खोना है, मैं बता रहा हूं 15 से 20 मिनट पेशेंस नहीं खोना है, पूरी शिद्दत से पढ़ाई करिए है ना, लोग का ध्यान अब घड़ी पर रहने होने जा लगा है, पहले यहां पढ़िए है ना। ये आपका क्वाड्रेटिक है और कहता है मूल क्या है, समान है, इसका मूल समान है। अब बताइए क्वाड्रेटिक का मूल समान है तो मैंने क्या पढ़ाया था, बुला गए बी स्क्वायर बराबर 4ac, जब मूल समान हो तो बी स्क्वायर बराबर 4ac मैंने पढ़ाया था, याद है। चलो बी स्क्वायर बराबर 4ac पढ़ाया था, तो बोलिए बी का मान कितना 4√3, ये हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर बराबर 4, और ए का मान कितना 4 और सी का मान k। तो बोलिए 4 का स्क्वायर 16 3 48 और बराबर में हो जाएगा 16 k, तो 16 से 3 बार में k बराबर 3, ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो गया। हां तो जब जैसे ही बोला मूल समान है हमने बी स्क्वायर बराबर 4ac कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो ये रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन है और सुनिए मेरी बात को, समझने का प्रयास करिएगा। सवाल कहता है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 का मूल आवर्ती हो, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेड, रिपीटेड 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 मतलब एक ही मूल दो बार, एक मतलब जानते हैं मूल समान, अरे एक ही मूल दो बार मतलब मूल समान हो गया जी, नहीं बुझाया। मूल समान का मतलब क्या है कि जितना अल्फा उतना बीटा, दोनों सेम 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 सेम, और सेम सेम रहेगा तब ना हम कह सकते हैं कि रिपीट किया। अब एगो 5 रहेगा एगो 7 रहेगा कहेंगे रिपीट हुआ,
रिपीट का मतलब क्या, वही चीज दोबारा आया है ना। तो याद रखिएगा, मूल आवर्ती अगर बोल दिया तो समझो आपका मूल समान की बात बोल रहा है, अगर अनावर्ती बोल दिया तो अलग अलग की बात कर रहा है। आवर्ती मतलब वही चीज रिपीटेड, अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटेड, नहीं रिपीट किया है ना। तो बताइए यहां भी वही चीज होगा, क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। यहां भी वही चीज होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। यहां भी वही होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। बी स्क्वायर बराबर में 4ac होगा। तो बोलिएगा सब लोग, यहां पर बी का मान कितना है, के है, तो हो जाएगा के स्क्वायर बराबर में 4। ए का मान कितना, 1 और सी का मान के हो गया, आपका के हो गया। तो बताइए क्या हो गया, के स्क्वायर बराबर 4k। एक बात बताइए, यहां पर मारिएगा तो गलती हो जाएगी, फंसाने के लिए दे दिया है, और लोग फंस भी रहे हैं, हमको सुनाई दिया के बराबर 4 है ना। मैं सुनिए इसका तर्क दे रहा हूं, यहां पे जरूर कुछ लोग का यही आएगा, के काट दो, के बराबर 4 हो जाएगा गलती। जानते हैं आपसे के का मान पूछ रहा है, और के में क्वाड्रेटिक है, के में क्वाड्रेटिक है, जब के में क्वाड्रेटिक है तो के का दूगो मान निकलेगा। आप ऑप्शन से देख लो, देखो ये बराबर का साइन है तो इनइक्वालिटी वाला ऑप्शन कभी होगा नहीं, ग्रेटर लेस वाला कभी होगा नहीं, जब बराबर का चिन्ह है तो इवी इनइक्वालिटी वाला साइन कभी होगा नहीं। और के में क्वाड्रेटिक है तो दूगो मान होगा, और दूगो मान यहीं पर है, ये है। आप चाहे तो देख लो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अरे के का मान 4 बैठाओ, बैठाइए LHS RHS में, 4 का स्क्वायर 16, चार चौके संतुष्ट किया कि नहीं किया। फिर के का मान 0 रखिए, इधर भी 0 इधर भी 0, ये भी संतुष्ट कर गया। इसका मतलब के का मान केवल 4 कहना गलत है, के का मान 0 भी सही है और 4 भी सही आपका है। तो सेटिस्फाइड करा के हम चेक कर लेंगे। ऐसे भी संकेत कर रहा था कि जब के में क्वाड्रेटिक है तो एगो मान थोड़ी ना दूगो मान मिलेगा, और दूगो मान वाला एक एक ऑप्शन है, आंख बंद करके भी मार सकते हैं है ना, क्योंकि ये ग्रेटर लेस वाला दूगो ऑप्शन होगा ना, ये अकेले है, दूगो वाला एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट भी मार सकते हैं। आप के का मान रख के देख लो संतुष्ट कर रहा है, बड़े आगे। आवर्ती मतलब रिपीटेड। यहां पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये भी क्वेश्चन जो है वो LP का ही है, 2018 का रेलवे का क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा सब लोग। कहता है समीकरण इतना का दो असमान और वास्तविक मूल्य लीजिए, नहीं क्या लिखा है, असमान मतलब अनइक्वल, भुला गए हैं, अनइक्वल। और रियल एंड अनइक्वल कब, जब डी ग्रेटर देन 0 हो। रेड टी शर्ट वाले भाई साहब, हाँ खड़े होइए, ठीक ठाक हैं, आज पहला दिन है, कौन सा बैच है आपका, कै बजे, 4 बजे, अच्छा तो समझ रहे हैं, पार कर रहा है, समझ रहे हैं। तो बताइए श्रीधराचार्य फॉर्मूला, बड़का फॉर्मूला जो बताए थे, तनी जोर लगा के बोले, बोलते हैं धीरे धीरे, माइनस भी देख रहे हैं, बोलते हैं तो वहां तक सुनाता है हाँ बोलिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई 4ac भाई, चलो ठीक है बैठिए, याद किया करिए, और यहां ध्यान दीजिए है ना, आपका ध्यान है ना उन्हें बेचारे को परेशान मत करिए, इधर देखिए है ना, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का मूल असमान है, और मैंने बताया था कि जब असमान हो तो डी का मान 0 से बड़ा होता है, डी का मान 0 से बड़ा होता है, समान में बराबर और इमेजिनरी में छोटा, यही तो तीन को बात है। तो चलिए डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो बी का मान के, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4, और ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना के हो गया, के हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया आपका, ए ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब हो गया के स्क्वायर माइनस 4k ग्रेटर देन 0। अब देखिए के में क्वाड्रेटिक है, क्या है भाई, के में क्वाड्रेटिक है तो दूगो मान मिलेगा, इस सिंगल वाला केवल केवल वाला तो कभी होगा नहीं है,
एगो वाला कभी नहीं होगा, के में क्वाड्रेटिक है तो दू गो वाला होगा, और दू गो यहां है और दू गो यहां है, है ना। तो चलिए अब ट्राई करते हैं, यहां पर सेटिस्फाइड कराते हैं। आप के का मान ले लो जीरो से बड़ा और चार से छोट, कोई ही मान ले लो, है आप एक ले लो, है आप एक ले लो, एक ले लो, तो बोलिए एक माइनस चार कितना हुआ, माइनस तीन, क्या जीरो से बड़ा है, नहीं, तो छंट गया, हो गया, बस इतने करना। ज्यादा माथा एग्जाम हॉल में लगाएं, ज्यादा होशियारी दिखाएं तो फंसा देगा, फिर फंस जाइएगा। अच्छा आप चाहे तो यहां पर के का मान जीरो से छोट कोई भी ले लीजिए, जीरो से छोट के का मान लीजिए ना, माइनस वन ले लीजिए, तो देखो माइनस वन का स्क्वायर वन, अब माइनस वन गुना माइनस चार प्लस पांच, बोलो जीरो से बड़ा है कि नहीं, छो सेटिस्फाइड कर गया। आप के का मान जीरो से बड़ा ले लीजिए, आप के का मान जीरो से बड़ा ले लीजिए, आप जीरो से बड़ा ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा जीरो से बड़ा, एक ले लीजिए, एक मिनट, जानते हैं ये थोड़ा सा यहां पर इसे चार लगता है कि होगा, किसी के पास पुराना वाला बुक है जरा ट्राई करो एक बार देखो, तो आप देख के बताइए हमको, मत दीजिए चार है, हाँ तो चार करिए अब सही हो जाएगा, हमको पता था कि यही होना चाहिए, इरर यहां पर चार, आप चार से बड़ा लो, के का मान चार से बड़ा लो तो भी सेटिस्फाइड कर जा रहा, तो आंसर डी, थोड़ा सा अपने पेपर में सुधार लीजिएगा, के ग्रेटर देन फोर यहां पर होना चाहिए, बड़े आगे सेटिस्फाइड कर गया, ये संतुष्ट कर गया ये बात, आईसी चेक करना है। चलिए यहां पर आ जाइएगा सब लोग, के का मान ज्ञात कीजिए, यदि समीकरण इतना बराबर जीरो का मूल बराबर है, बन जाएगा, अरे मूल बराबर है तो बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, बोलिए बी का मान माइनस बारह, तो माइनस बारह का स्क्वायर बराबर फोर, और ए का मान के और सी का मान नौ, तो के इंटू नौ हो गया, बोलिए एक सौ चौवालीस बराबर चार गुना के गुना नौ, तो नौ चौके छत्तीस से चार बार में के का मान चार, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। जैसे ही बोला मूल समान है तो समझ गए बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी होगा, बी स्क्वायर बराबर में फोर ए सी होगा। आगे बढ़े, कुछ पूछना है बोलिएगा, देखो सीपीयू का क्वेश्चन था, टाइप थ्री पर आप आ जाओ सट से एकदम, एकदम टाइम पे हो जाएगा, राइट टाइम पर, ध्यान दीजिए इधर, देखिए x बराबर इतना दिया है और x बराबर इतना दिया है, है ना, सुनिए सुनिए सुनिए, x बराबर इतना दिया है और x बराबर इतना दिया है, ऑप्शन को देखिए, आपको लग रहा है कि ऑप्शन में द्विघात का दोनों फैक्टर लिखा हुआ है, सब जगह फैक्टर लिखा है, तो अगर वहां से फैक्टरवा पकड़ लेंगे तो आंसर नहीं दिख जाएगा, तो बोलो फैक्टर पकड़ते हैं, देखो एक्स बराबर दो बटा तीन है, तो देखिए थ्री को इधर लाइए थ्री एक्स, और दो को इधर लाइए तो थ्री एक्स माइनस टू बराबर जीरो, ये पहला फैक्टर हो गया। अब फिर उतारो एक्स बराबर माइनस वन बाई टू को इधर भेजे तो टू एक्स, अब माइनस वन को ला दे इधर प्लस में बराबर जीरो, ये द्विघात का पहला फैक्टर है और ये द्विघात का दूसरा फैक्टर है। हमसे पूछ रहा है समीकरण बताओ, समीकरण तो मैंने सिखाया है कि समीकरण जो होता है वो फिर से फैक्टर को गुणा करेंगे तो आ जाएगा, तो समीकरण बराबर क्या होगा, 3x माइनस 2 गुना 2x प्लस 1, कहां है 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका है, हो गया आंसर, पकड़ा गया यहीं से, नहीं पकड़ाया तब ज्यादा एकरा में कलाकारी नहीं करना है, सीधे इधर ला दीजिए एक पहला गुणनखंड, और x बराबर माइनस एक बटा दो, तो दो इधर आएगा 2x माइनस नाइन प्लस में दूसरा गुणनखंड, अब देखो ये दोनों किस में अवेलेबल है, d में है, तो d इज द राइट आंसर। आपको मैंने सिखाया कि फैक्टर को गुणा कर दीजिए वापस समीकरण बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर जानते हैं वही आ गया, क्या आ गया, अभी जो पावर फोर वाला में बताए थे वही वाली बात, यानी यहां पे देखिए सब लोग, ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू होता है,
वहां देखिए फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का लग रहा था, आ यहां लग रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का लग रहा है। वहां ए क्यू माइनस बी क्यू का था, यहां ए क्यू प्लस बी क्यू का लग रहा है। ये बात समझ में आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का लग रहा है, यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू का लग रहा है, ए प्लस बी इंटू इतना। उसको जरा देखो क्या दिया है, माथा लगा देंगे। और ये नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने एक सवाल में बताया था, बस वही चीज है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन बराबर जीरो। अब पैटर्न पकड़ो, वन स्क्वायर लिख देते हैं यहां पर। देखो वन स्क्वायर भी वन ही होता है। ई वाला टर्म देखिए, ये वाला है और ये वाला, दोनों सेम है, सेम है। ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए यहां पर क्या होगा, ए प्लस बी। पता है ए के जगह पर एक्स है और बी के जगह पर वन है, वन है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे सुनिएगा, ए प्लस बी से गुणा कर देंगे, यानी एक्स प्लस वन से गुणा कर देंगे। तो एक्स प्लस वन से यहां भी गुणा करेंगे और एक्स प्लस वन से इधर भी गुणा करेंगे। तो बोलो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स क्यू प्लस वन का क्यू बराबर जीरो। वन कैसे बोल रहे हैं जी, जीरो से जो टकराएगा सब जीरो बन जाएगा, है ना। तो जीरो ना, तो बोलो एक्स क्यू बराबर क्या हो गया, माइनस का वन हो गया। एक्स क्यू का मान माइनस का वन, मतलब अल्फा क्यू भी माइनस वन और बीटा क्यू भी माइनस वन। नहीं होगा, अरे पहले जो बताया वही और क्या, दूसरी चीज बता रहे हैं। एक्स क्यू बराबर माइनस वन, एक्स ही अल्फा बीटा है, तो एक्स क्यू माइनस वन तो अल्फा क्यू माइनस वन, बीटा वन बीटा क्यू माइनस वन। अभी थोड़ी देर पहले नहीं किए थे, बस वही चीज है। चलो तो अल्फा क्यू भी बीटा वन माइनस वन निकल गया, बीटा क्यू भी माइनस वन निकल गया। अब आइए सवाल हमसे क्या पूछता है, सवाल को तो नहीं पढ़िए, तो क्या कहता है, करे किस समीकरण का मूल इतना और इतना होगा। आपसे कह रहे वो समीकरण बताओ, सवाल कह रहे समीकरण बताओ, समीकरण। तो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया समीकरण। देखो जब मूल दिया रहेगा और समीकरण पूछेगा, तो मैंने पढ़ाया है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। नहीं पढ़ाए हैं, अरे जब दे दिया है कि मूल मूल है अल्फा क्यू बीटा क्यू, और कहता है कि उसका समीकरण बताओ, तो यहां पर अल्फा क्यू और बीटा क्यू जोड़ के लिखेंगे और यहां पर अल्फा क्यू बीटा क्यू गुना करके लिखेंगे। बोलो अल्फा क्यू का मान भी माइनस वन आया और बीटा क्यू का मान भी माइनस वन आया, माइनस वन आया माइनस वन आया। तो जोड़ेंगे, जोड़िए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां जोड़ के लिखेंगे, तो माइनस वन जोड़िए माइनस टू और माइनस पहले से, तो प्लस का टू एक्स। आप ही गुणन फल, तो माइनस वन गुना माइनस वन प्लस का वन बराबर जीरो, यही आंसर हो जाएगा। कहां पर है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीजीएल मेंस 2018 में सवाल पूछा गया है। इस सवाल छोट जरूर लिखा है लेकिन बहुते सवाल है। बोला अल्फा बीटा होकर समीकरण, और फिर कहता है कि अल्फा क्यू बीटा क्यू को मूल मान करके फिर से समीकरण बताओ। तो ये तरीके सवाल बड़ा इजीली हो गया, अल्फा क्यू माइनस वन बीटा क्यू माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू योगफल की जगह बैठा दिया और गुणनफल की जगह पे एक हमारा समीकरण निकल गया। बड़े आगे चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग, आप सवाल को जल्दी सब लोग पढ़ो। ये सीडीएस 2013 में पूछा गया सवाल है, सीडीएस 2013 में ये पूछा गया सवाल है, आप सवाल पढ़ो, जवाब हाजिर है। कहता है द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, सॉरी यहां छूटा हुआ है नौ, यहां पे लिख लो योगफल नौ छूटा है। अच्छा काहे का, काहे का, काहे का छूटा है, नहीं छूटा है। कहता है योगफल और साथ ही गुणनफल नौ है, मतलब दोनों नौ है, योगफल और गुणनफल दोनों नौ है।
तो देखो योगफल भी 9 गुणनफल भी 9 समीकरण पूछता है तो बोलो x स्क्वायर आ योगफल 9 दिया है तो -9x आ गुणनफल भी 9 दिया है। आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये सवाल पूछा गया है एसएससी द्वारा नहीं यूपीएससी में पूछा है आपका सीडीएस में। तो x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 9 आंसर हो जाएगा। अरे योगफल भी 9 है तो यहां 9 बैठा दिए गुणनफल भी 9 है तो आंसर हो गया x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। कौन सा आंसर? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखो इस सवाल को हमारा क्या दिया है जी सीजीएल मेंस 2018 का सवाल है। देखो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चंस कहता है कि x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का क्या है? नहीं बोलिएगा। अरे 4 है। भूख लग गया क्या? हम भी सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। हमारा नाश्ता रखा है 9 बजे आ गया होगा। कैसे 10:30 हो रहा है? छोड़ेंगे तब ना खाएंगे। दे दीजिए कहाँ खा के एक या डेढ़ रोटी खाते हैं ना तो एक डेढ़ रोटी में क्या होगा आपको? हमारा उतना में काम हो जाता है। हल्का फुल्का ऊपर से कुछ लेते हैं ना। देखिए यहां पर क्या करेंगे तनी माथा लगा देंगे जानते हैं। एक्स प्लस 2 से गुना कर देंगे इधर और एक्स प्लस 2 से गुना कर देंगे इधर। नया ना बता रहे हैं, दूगो बता चुके हैं ऐसा। हम फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एक्स क्यू प्लस बी क्यू। तो बोलो क्या होगा? एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू बराबर 0। तो बोलिए एक्स क्यू का मान कितना? अरे बोलिए -8 और पता है यही होगा आपका अल्फा क्यू और यही होगा आपका बीटा क्यू। बड़ा काम का चीज है, आप इसको इग्नोर कर रहे हैं हमको पता है। फंस जाइएगा फेरा में, बता रहे हैं नहीं ध्यान से पढ़िएगा। तो अल्फा क्यू बीटा क्यू दोनों कितना होगा? -8। नई चीज नहीं बता रहा, पीछे 2 बता रहा, तीसरा ही आ गया ये। अब फिर यहां पर बैठा लो, फिर यहां पर बैठा लो। अच्छा यहां पर बैठाने से एक बात तो क्लियर हो गया कि अल्फा क्यू और बीटा क्यू दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। अल्फा क्यू बीटा क्यू दोनों क्या है आपका? सेम ही तो है, दोनों तो सेम ही है। अल्फा क्यू बीटा क्यू दोनों सेम है। तो एक बात बताइए सब लोग, एक बात बताइए, यहां पर बात बताइए, यहां पर क्या कर सकते हैं? यहां पर अल्फा क्यू आप बटा में बीटा स्क्वायर और फिर बीटा क्यू बटा अल्फा स्क्वायर है। अल्फा क्यू बीटा क्यू सेम है तो ऐसा यहां पे कर सकते हैं। हमको छोटा कर देना है इसके, काट करके इसको अल्फा बच जाएगा बीटा बच जाएगा। हाँ है? मैं बुझा रहा हमको, अब मेरा सुनिए ना, आपसे सुनेंगे बाद में, आपसे पूछे हम आपसे मिलेंगे हम, है ना। देखो अल्फा क्यू बीटा क्यू माइनस का 8 हो गया, ठीक है। अब हमारी प्रयास है कि यहां पर हम इसको सेम करके कुछ काट ले। तो जैसे देखिए ना, इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा बीटा सेम हो गया, अल्फा क्यू भी -8 और बीटा क्यू भी -8। इसका मतलब अल्फा बीटा दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। तो अल्फा बीटा जब दोनों सेम हो गया तो बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कटेगा अल्फा बच जाएगा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कटेगा अल्फा बच जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा और बीटा अगर मूल है तो समीकरण इतना है, ठीक है। अब फिर क्या पूछ रहा है कि समीकरण क्या है जिसका मूल अल्फा और बीटा है? तो यही नहीं हो जाएगा है? आंसर हो गया, जहां है वही छाप दो, आंसर सी। सुनिए कैसे माथा लगाना है। अल्फा और बीटा मूल है तो समीकरण इतना है, क्वेश्चन बोल रहा है। अब इसके मदद से हमने इसे बना दिया अल्फा और इसे बना दिया बीटा, फिर वही सॉरी यहां पे अल्फा अल्फा काट देते बीटा हो गया,
अल्फा बीटा सेम है तो बीटा। अब यहां पे हमने इसको अल्फा बना दिया, बीटा बना दिया, फिर वही क्वेश्चन हो गया कि अल्फा बीटा मूल है तो समीकरण क्या है। तो यही तो दिया था कि अल्फा बीटा मूल है तो समीकरण इतना है, फिर वही पूछ रहा है कि अल्फा बीटा मूल है तो समीकरण कितना, तो वही आंसर हो जाएगा। बस हमने क्या किया कि इसके मदद से इसे अल्फा बना दिया, इसे बीटा। अल्फा क्यूब बराबर बीटा क्यूब बराबर माइनस आठ है, इसका मतलब अल्फा बीटा दोनों क्या है, सेम है। देखो अल्फा बीटा सेम है तो बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, अल्फा बीटा सेम है ना, तो एक अल्फा रह जाएगा क्योंकि ऊपर एक पावर ज्यादा है, यहां ऊपर एक पावर ज्यादा है तो बीटा रह जाएगा। तो अल्फा बीटा के लिए समीकरण इतना है, अब अल्फा बीटा के लिए समीकरण पूछता है तो उसी को हम आंसर कर देंगे। बोलिए जी, ये शॉर्ट हुआ ना आपसे? हाँ तो छापी अब लेट, अभी अब सुनने का समय नहीं है, लेट हो रहा है। जो मैंने बताया वो बेस्ट है, बेस्ट क्या है मतलब हो गया इसी देख के आंसर और क्या। चलिए आइए, एडवांस मैथ का नया बैच अगर कोनों को पढ़ना है, इसे जगह ना है, है ना तो शाम में 4 बजे आज ही से आ सकते हैं। एडवांस मैथ का क्लास चलता है 6 दिन सप्ताह में, मंडे टू सैटरडे, है ना। नया बैच दूगो क्लास दूगो तीनगो हुआ है, नया हम स्टार्ट किए हैं शाम में 4 बजे, आज सैटरडे को क्लास है, कल ना है संडे को, आज है। किसी को नया बैच एडवांस पढ़ना हो कंप्लीट तो आज से ज्वाइन कर सकते हैं शाम में 4 बजे, इसको कहते हैं प्रचार। नहीं, आगे बढ़ते हैं, वैसे जगह नहीं है, कुछ विद्यार्थी को जरूरत होगा तो आइएगा, जहां जगह मिले अपना वो जैसे तैसे करके पढ़ लेना है ना। यदि द्विघात समीकरण ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्यामिति, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूलों का एक मूल, मूलों में से एक मूल 7 है तो कहता है कि के का मान कितना होगा, तो निकल तो जाएगा जी। आप बताइए दो गोमूल में से एक गोमूल 7 है, यानी x का मान 7 है, क्वाड्रेटिक का मूल मतलब x का मान कितना है 7 है, किसका मान पूछ रहा है k का, तो जहां जहां x है वहां वहां 7 बैठा देंगे, बोलो k का मान निकलेगा कि नहीं। बड़े 7 का स्क्वायर 49 गुना 7, 49 गुना 7, और फिर हो गया 50 सते 350, अब प्लस के बराबर 0, बोलो के का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो के का मान सारे विद्यार्थी निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा कितना 7। खत्म सवाल, मूल दे दिया 7 यानी एक्स का मान दे दिया, बैठा दीजिए के का मान निकल जाएगा, हो गया आंसर। देखिए यहां पर ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है जी कि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्य माइनस 3 है। देखो हिंदी में नाम ही सब है, मूल शून्य हल सब लिखे हैं, अंग्रेजी में आपका रूट्स सॉल्यूशन जीरोज है ना। तो बताइए द्विघात समीकरण का एक शून्य माइनस 3 है, इसका मतलब x बराबर क्या है माइनस 3 है, पिछले के सवाल जैसा है, तो x के जगह पर माइनस 3 क्या करेंगे बैठा देंगे, बराबर इसे जीरो करेंगे, k का मान निकल जाएगा, जहां जहां एक्स वहां वहां माइनस 3 रखिए ना, सोल्व करिए जोड़ घटाव करिए, के का मान निकल जाएगा, हो जाएगा। इसको इसमें क्या करना है, पुट कर देना, हिंट के तौर पर लिख लो आप, रख लेना। आगे बढ़े, देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है सुनिएगा, एक मूल दिया है 0.5, यानी समझो एक्स का मान कितना है 0.5, तो एक्स का मान इसमें क्या करिएगा पुट कर दीजिएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां 0.5, या 0.5 का मतलब होता है 1/2 होता है, जहां जहां एक्स है वहां वहां 1/2 रख दीजिए, क्या सी का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए हमसे किस क्वेश्चन में क्या पूछता है पता है, डिस्क्रिमिनेंट पूछता है। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, सब लोग बोलिएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3√3 और सी का मान √3, ये होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो 10 का स्क्वायर 100, आ देखे √3 × 3 आती 9 × 4 = 36, आंसर 64 हो गया ऑप्शन नंबर ए। द्विघात समीकरण देखकर डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर यहां पर है, कहते हैं मूलों का गुणनफल बताओ कितना है। मेरा बात सब लोग यहां सुनिए, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू क्या होता है सी बाय
ए बोलिए, सी बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस रूट थ्री, और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कुछ नहीं मतलब वन, तो आंसर कितना डी नंबर आपका माइनस रूट तीन, नहीं हो गया। चलो इसके बाद, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग सुनिएगा, बोलिएगा एक मूल दो है और x बराबर कितना दिया है, x बराबर दो, x बराबर दो, बैठाइए सट से, बैठा सब लोग, दो का स्क्वायर चार और छ दूना बारह प्लस k बराबर जीरो, सारे विद्यार्थी बताइए k का मान आठ हो गया, आंसर नहीं है, आपसे क्या पूछता है दूसरा मूल बताओ, आप बताइए कि क्वाड्रेटिक का एक काहे के लिए इतना करिएगा जी, मिटाइए इसको, ये लंबा हो जाएगा तरीका, आप बताइए x का मान दिया है दो, यानी समझो अल्फा दे दिया है, x का दो गो मान होता है ना क्वाड्रेटिक में, तो एक गो दिया है अल्फा, आप दूसरा हमसे बीटा क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो सीधे लगाइए ना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, बोलो अल्फा दिया है दो और बीटा पूछ रहा है, अब बोलिए माइनस बी बाई ए, तो बी कितना है माइनस छ, अब फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस छ गुना माइनस प्लस का छ और ए का मान वन, तो बोलो बीटा निकल गया चार, कहां गया, देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, के जगह पे आप एक्स कर लो, यहां पर बुझाया, ए को मूल दिया है अल्फा, दूसरा बीटा पूछ रहा है, तो हमने लगा दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, जान बुझ के लगाया माइनस बी बाई ए, क्योंकि यहां पर बी और ए हमारे पास है, अगर कोई गलती से लगा देगा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, देखो यहां सी नहीं दिया था, फिर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो माइनस बी बाई ए क्यों लगाया गया, क्योंकि बी और ए दिया था, तो बीटा निकल गया, एक मूल देख के दूसरा मूल पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे हम। आइए देखिए रेलवे का क्वेश्चन था आपका, कई गो सवाल और बच रहा है, तीन गो बस, तीन गो हाँ, तब दो मिनट में है ना, दो मिनट में है ना, डेढ़ मिनट में कर दे, तो आंसर हो गया इसका डी, सुनिएगा सुनिएगा, मेंस 2018 का क्वेश्चन सीजीएल का है, और सबसे पहले थोड़ा सुधार करना है, कैपिटल सी होगा, छोटकी सी नहीं बड़की सी होगा, छोटकी सी नहीं बड़की सी, हमको ऑप्शन में बड़ी बड़ी सी दिख रहा है, अब वहां छोटी दिख रहा था इसलिए बड़ी कर दिए। अब देखिएगा सवाल कहता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का एक मूल दूसरे का आई गुना है, आप और आई का रेशियो बताओ, पांच बटा दू, पांच अनुपात दू, पांच अनुपात दू, पांच अनुपात दू, एकर मतलब इसका जो रूट्स होगा, रूट्स जो मूल होगा वो होगा पांच एक्स होगा और टू एक्स होगा, अढ़ाई गुना अढ़ाई मतलब पांच बटा दो, रेशियो में पांच अनुपात दो, लेकिन रियल लिखिएगा तो फाइव एक्स टू एक्स, रेशियो को अलग अलग करते तो पांच एक्स दो एक्स, ये दोनों मूल हो गया। अब बताइए सब लोग कि मूलों का योगफल बताओ क्या होगा, नहीं बोलिएगा सात एक्स, यहां फॉर्मूला होगा माइनस बी बट्टा ए होगा, माइनस बी बट्टा ए होगा, तनिक स्क्वायरिंग कर दीजिए ना, स्क्वायरिंग तनिक करिए तो कितना होगा उनचास एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, समीकरण नंबर एक हो गया, क्या किए मूलों का योगफल किए, ये सम किए यहां पर मूलों का योगफल किए, अब क्या करेंगे मूलों का गुणनफल, बोलिए इन दोनों को गुणा करिए सब लोग, दस एक्स स्क्वायर होगा, अरे मूलों का गुणनफल हुआ क्या होता है सी बाई ए होता है, तो हमने यहां पे लिख दिया c बाई ए लिख दिया, c बाई ए लिख दिया, पता है ये हो गया सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया, कैसे तो मूलों के गुणनफल से प्रोडक्ट से, अब क्या करिएगा जी कहां करिएगा, अरे भाग दे दो, भाग दे देंगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग दिए, अब बोलिए ए गो ए से ए गो ए भी कट गया तो क्रॉस गुना होगा, फरेश लिख लीजिए, देखो उनचास ऊपर और दस नीचे, तो उनचास और दस एक एको में है ये है नहीं, उनचास बटा दस,
देखिए ऊपर में क्या हुआ, बी स्क्वायर। आ देखो नीचे में एक वो ये रह गया, आज सी रह गया, तो क्या होगा ए सी। अब क्रॉस ऐसे ऐसे गुना करिए, ऐसे ऐसे गुना करिए तो आंसर डी हो गया, नहीं हो गया। देखिए इसको गुना करिए 10 बी स्क्वायर, ऐसे गुना करिए 49 AC, है कि नहीं ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो गया बस। अढ़ाई गुना अढ़ाई मतलब 5:2, मतलब 5x + 2x ही अल्फा बीटा है, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा किए और स्क्वायर कर दिए, आ फिर एक बार अल्फा इंटू बीटा किए, आ समीकरण एक में दो से भाग देके काट दिए, क्रॉस गुना किए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये रिलेशन वाला सवाल है, बढ़िया सवाल है, ये आप पढ़ लिए इसलिए आपके लिए आसान है, नहीं तो बड़ा खुनकार सवाल है। लो भाई बड़े आगे आखिरी वाला जो सवाल है ना वैसे ही हो जाएगा, देखिएगा आंसर हो जाएगा। देखो ये रेलवे का सवाल ही है, ये रेलवे का सवाल है, रेलवे का सवाल है, रेलवे का सवाल है। बताइए इतना को x-3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 22 बचता है, ठीक ना। तो देखिए ये थोड़ा शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन है, इसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे और एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान कितना आएगा, और जहां जहां एक्स है वहां वहां 3 बैठा देंगे, तो बैठाइए सब लोग, 3 का स्क्वायर 9, और फिर क्या हो जाएगा 3a और प्लस बी, शेषफल कितना दिया है तो बराबर 22, इक्वेशन नंबर एक हो गया। अब फिर इस फिर कहता है कि इसमें इससे भाग देते हैं तो 24 बचता है, तो इतना बराबर जीरो करिए, एक्स का मान कितना 3, यानी फिर जहां जहां इस वाले समीकरण में एक्स वहां 3 बैठा हो तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और प्लस में 3b, प्लस में 3b और प्लस में a बराबर में 24, ये दो नंबर समीकरण। अब सवाल हमसे क्या कहता है कि a प्लस b का मान बताओ, तो जानते हैं समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समीकरण को जोड़ देंगे, तो जोड़िए 9 9 18, मेरी बात सुनिए यहां पर, देखो 3a और a जोड़ेंगे तो कितना होगा 4a होगा, अच्छा अब b और 3b जोड़ेंगे तो 4b, 4a प्लस 4b, 4 को कॉमन कर लेंगे तो a प्लस b हो जाएगा। उधर देखो 22 और 24 46, 18 जाके 46 में से घट जाएगा 28 है, तो 4 × a + b बराबर 28, तो a प्लस b का मान 7, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। सुनिएगा इतना को इससे भाग देने पर शेषफल इतना बचता है, थोड़ा सा ये हट के है क्वाड्रेटिक से, ये है ना, तो हम भाजक को जीरो से इक्वेट करके एक्स का मान निकालते हैं और एक्स का मान इसमें बैठा देते हैं, जहां जहां एक्स बैठाएंगे, अब बराबर में शेषफल कितना 22, वैसे एक्स का मान 3 फिर इसमें बैठा है तो बराबर में 24, दोनों समीकरण को जोड़ दिए, ए प्लस बी का मान 7 हो गया हमारा। आखिरी सवाल, अंत भला तो हो भला, है ना, कुछ सीखने को मिला, आवाज में कोई बोल्डनेस नहीं है, मुरझाया लग, मिला है, चलो क्योंकि मैंने भी काफी मेहनत किया है ना, अब अगर आप कहिएगा कि हमको फायदा ना हुआ तो हमको बड़ा तकलीफ होगा, है ना, फिर अगली बार से कभी सोचबे नहीं करेंगे कि दो फिर, है ना। लेकिन ये चीजें बेस्ट है, जैसे 2.5 घंटे में आपका एक टॉपिक मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, क्वाड्रेटिक को मैंने बहुत डिटेल में मतलब हर लेवल तक क्वेश्चन लेकर के गया है, है ना। अगर आप इन सारी चीज को रिवाइज करेंगे, दो बार चार बार सवाल बनाएंगे, तो इससे बाहर सवाल नहीं बनता है क्वाड्रेटिक में, ये बात जान लीजिए। 2.5 घंटा मैंने लगातार पढ़ाया एकदम, है ना, थ्योरी भी पूरा का पूरा दिया, क्वेश्चंस भी पूरा प्रैक्टिस कराया, आ जाओ ये हमारा सवाल है, बस तरीके सटीक सटीक लगाए, इसलिए बड़े बड़े सवाल भी जल्दी जल्दी होता चला गया आपका, है ना, नहीं तो बेसिक बेसिक तरीका लगाते तो ये बड़ा सवाल आपका टफ टफ है। देखिए इसमें क्या सोच लेना है, देखो यदि समीकरण इतना 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 का मूल बराबर है, मूल बराबर है, जानते हैं इसमें तनी ध्यान देना पड़ेगा, पुट x = 1 रखिए, इस सेटिस्फाइड कर जा रहा है, क्यों जानते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, अब फिर क्या है, ab - ac + bc - ba + ca - cb, सब प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में कट जाएगा, 0 = 0, अरे 0 जब आ गया तो सेटिस्फाइड ना कर गया, तो x = 1 क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, x = 1 जो है ना सेटिस्फाइड करेगा,
सेटिस्फाइड करेगा, x बराबर 1 सेटिस्फाइड कर रहा है। आप रख के देख लो, LHS में x के बराबर 1 रखिए, अब बाकी इसे गुना करिए ना, अब गुना करके काटिए ना, तो AB प्लस में AB माइनस में कट जाएगा, BC प्लस में BC माइनस में कट जाएगा, CA प्लस में CA माइनस में, यानी LHS बराबर LHS 0 हो जाएगा, तो सेटिस्फाइड कर गया। अब कहता है मूल बराबर है, तो x बराबर 1 सेटिस्फाइड किया, अब मूल बराबर है इसका मतलब अल्फा भी 1 ही है, अब बीटा भी कितना है 1 है, अरे मूल जब बराबर है तो अल्फो 1 और बीटो 1 नहीं। अच्छा अब कहता है कि कौन सा संबंध सही है आपको बताना, रिलेशन स्थापित करना है, तो एक बात बताइए, अल्फा इंटू बीटा, बोलो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो सी मतलब कांस्टेंट वाला, क्या होगा जी बोलिए, सी ए, अरे सी ए माइनस सी बी, माइनस सी बी ये हो गया सी, अब बटा ए, ए एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को बोलते हैं, तो बोलो एक्स स्क्वायर कोफिशियंट इतना ना है ए बी, ए बी और माइनस ए सी, ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब इधर उधर करिए एक ऑप्शन आ जाएगा, मैं करके दिखा रहा हूं, आप करिएगा भी दिक्कत भी हो सकता है, देखो इधर गुना लाए, इधर इधर लाए तो हो गया ए बी और माइनस में ए सी, इधर क्या हो गया ए सी माइनस में सी बी, अरे सी ए लिखिए कि ए सी लिखिए उससे कोई दिक्कत ना है। अब बोलिए एसिया जाके उन्हें जुट जाएगा तो टू ए सी, अरे एसी में एसी जुटेगा टू ए सी, ई आ जाएगा इस तरफ, ई आ जाएगा उस तरफ, तो हो जाएगा ए बी अब प्लस में बी सी या सी बी हो जाएगा, नहीं हो गया। अब देखो क्या करो, यहां पर रिलेशन स्थापित करने के लिए ए बी सी से सब में भाग दे देंगे, ए बी सी से यहां भाग, ए बी सी से यहां भाग, ए बी सी से यहां भाग, तो बोलिएगा एसी एसी कट गया, सी बी और सी बी कट गया, और ए बी और ए बी कट गया, अब पकड़िए कौन है, वन बाई सी प्लस वन बाई ए बराबर टू बाई बी, कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में आपका है ना, देख लो टू बाई बी बराबर 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी, और इक्वल संख्या से हम दोनों तरफ भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आंसर हमारा बी हो गया, और यहां पर ये चीजें कंप्लीट हो गया। बस इतना कहेंगे आप सब लोग चीज को रिवाइज करिए, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी इधर से रास्ते।